ओम साई राम एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल टू एस आर केज एक्सक्लूसिव मास्टर क्रोनोलॉजी कोर्स। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई एंड आप सबकी शुभकामनाओं के साथ हमारा एस आर के का ऐप लॉन्च हो चुका है। तो अब से आप लोगों को जो भी वीडियोज एंड ऑल मिलेंगी सब ऐप पे ही मिलेंगी, और जितने भी पीडीएफ्स हैं आप लोगों को अपनी आईडी वगैरह भी नहीं शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो जो है ये ऐप पे अपलोड हो जाएगी, तो जैसे ही आप लोग अपना नेम वहाँ पे हमें भेजोगे आपको ऐप जो है ये विजिबल हो जाएंगी सारी वीडियोस। तो सबकी ब्लेसिंग से हिप पे फुर रहे, ऐसा कि एक और हमने 2023 में ये करा है अचीवमेंट, हमारा खुद का ऐप लॉन्च हुआ है। आप प्ले स्टोर पे जाके साइरम पेशेंट्स टाइप करोगे तो आपको ऐप दिख जाएगा, अदरवाइज लिंक तो मैंने ग्रुप में आज भेज ही दिया था, है ना, तो आप लोग उसको इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि अगले 1.5-2 महीने तक हम लोग साथ रहने वाले हैं। तो मैं साधन गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम भृगु नंदी नाड़ी मैंने कर रखा है। मैं एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगी किसी भी चीज में अपने आप को, बट यस अच्छी खासी मेरी पकड़ है उसमें। वैदिक न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट टू। यू तो बहुत सारी मोडालिटीज कर रखी हैं, के बी सर से मैंने महावास्तु करा हुआ है, बहुत सारे मेंटोर से बहुत कुछ सीखा हुआ है। सो लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग पता मुझे क्या मिली, जब मैंने क्रोनोलॉजी से अपना नेम चेंज करा। कोर्सेज क्लासेस मैंने बहुत सारी करी थी लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू ग्रो माई सेल्फ। अर्लियर मैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ाती थी, वहां पे आई वॉज एन एस्ट्रोलॉजर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैं वहां पे पढ़ाती थी। ठीक है, बिकॉज आप लोगों को मैं प्रोफेशन में भी ये चीज कराऊंगी कि अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी 4 है तो आपको पहले किसी के अंडर वर्क करके एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए एंड देन आप अपना सोल बिजनेस खोलो। बिकॉज एक तो थोड़ी सी अनसर्टेनेस ज्यादा रहती है 4 नंबर वालों के साथ, और इनको ना क्विक एक्शन मतलब इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो जो पॉसिबल नहीं होता अगर आप बिल्कुल रॉ हो और आप अपना नया काम शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो 2019 में मैंने अपना नेम चेंज किया था, बट लीगली जब पढ़ाना शुरू करा तो 2020 में उसकी बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस मिली। और क्यों नेम चेंज करा, और पहले मैंने अपना कंप्लीट नेम डिजाइन करा, आप लोगों को पता है भावना गुलाटी से साधना गुलाटी पहले करा था, क्योंकि जब मैंने अपना नेम भावना गुलाटी से साधना गुलाटी करा था तो आई क्रिएटेड राजयोग इन माई नेम। लेकिन वहां पर क्या था कि जो साउंड्स, आप लोगों को पता है कि मेरे नेम में एक बैड साउंड है, दैट इज ना, ठीक है, तो उसको मैं बैलेंस नहीं कर पाई क्योंकि मेरा राजयोग खराब हो रहा था वहां पे। एंड अगर किसी के नेम में बैड साउंड है भी तो हमको पूरे नेम को, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने उसको हटाए बिना हमारा काम चलेगा नहीं, अगर हम राजयोग क्रिएट कर लेते हैं, हम ग्रिडिंग पे जाके उसको ठीक कर लेते हैं, देन ऑल्सो वी कैन हैव गुड रिजल्ट्स विद आवर नेम। क्योंकि नेम एक ऐसी चीज है जिसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई आपको आपकी डीओबी से नहीं बुलाएगा, कोई मोबाइल नंबर से नहीं बुलाएगा, हर कोई आपको आपके नेम से बुलाएगा। आपने भी कितने लोगों के अपने फोन में अगर फीड कर रखे होते हैं नंबर, तो हम किससे फीड करते हैं, उनके नेम से ही करते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ से तो हम कभी किसी का नेम फीड नहीं करते ना, किसी का नंबर। तो नेम बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो पहले ये साइन सिर्फ यू नो हाई प्रोफाइल लोगों के लिए सीमित थी। हमने देखा है कि बॉलीवुड स्टार्स, इवन पॉलिटिशियंस भी अपना नेम चेंज करते हैं, और हाई प्रोफाइल लोगों के लिए मतलब ये साइंस रहा करती थी, बिकॉज बहुत कॉस्टली है इससे अपना नेम चेंज करवाना किसी से, इट्स अ वेरी कॉस्टली साइंस। और काफी लोग तो सिर्फ शैल्डियन ही फॉलो करते हैं नेम चेंज करने के लिए, इसीलिए बहुत लोगों को क्या होता है कि रिजल्ट भी नहीं आते शैल्डियन से अपना नेम चेंज करने के बाद, क्योंकि शैल्डियन जो है ये क्रोनोलॉजी को कंसिडर नहीं करते। हम लोग शैल्डियन न्यूमरोलॉजी मेथड में वी डू नॉट कंसिडर साउंड्स, बिकॉज साउंड्स जो है ये साउथ की साइंस है। साउथ के लोगों में आपने देखा होगा कि कितने लोग जो है ये बड़े बड़े नेम्स होते हैं इनके, और विन विन नेम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वी आई की साउंड, वी आई एन की साउंड, उसके अलावा ए एन ए आर, इन साउंड्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ए आर रहमान हमने देखे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपना नेम बैलेंस नहीं भी कर पा रहे, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ऐसा नेम है जो बहुत बैड साउंड्स आ रही है उसमें, तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम सिर्फ फर्स्ट इनिशियल यूज कर लेंगे। ठीक है,
अब जैसे मेरे क्लाइंट थे, उनका नाम था सुरेंदर। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? लिटिगेशन, बैक टू बैक लिटिगेशन। तो सू साउंड में हमने पढ़ा है कि लिटिगेशन आती है। तो ही वॉज नॉट रेडी टू चेंज हिज नेम, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे तो सुरेंदर ही बुलाती है पूरी दुनिया। तो अभी अगर मैं चेंज कर भी लू, अगर एक यू रिमूव कर भी दू, तो भी लोग सुरेंदर बुलाएंगे, तो मुझे वाइब्रेशन तो उसी की मिलेंगी, है ना। तो क्या करा फिर, उनके नेम में, उनका नेम जो है वो अच्छे साउंड्स पे, मतलब एस और आर करके मैंने उनका नेम सेट करा था, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम किसी का नेम बैलेंस कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं उस बैड साउंड को हटाने के। और उसके अलावा अब आपको बार बार रोज अपना नेम लिखना भी नहीं है, क्योंकि हम इस कोर्स में दो यंत्रा सीखने वाले हैं जिनके पीछे आप अपने न्यू नेम को लिख के उसको वाइब्रेशन दोगे। और जहां तक बात रही ऑफिशियली, तो ऑफिशियली तो किसी को अपना नेम चेंज नहीं करना, क्योंकि जब भी हम ऑफिशियली अपना नेम चेंज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेपर्स पे होता है, हमारे आधार कार्ड में होता है, हमारे पासपोर्ट में होता है, जो सिर्फ जो हमारी अलमीरा में ही पड़ा रहता है। उससे हमारे न्यू नेम को वाइब्रेशंस नहीं मिलती। देखो नेम क्या है, नेम एक ध्वनि है। अगर हमें हमारा कोई नेम बुला रहा है तो एक ध्वनि क्रिएट हो रही है, एक साउंड क्रिएट हो रही है, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। तो अगर हमारे नेम में गुड साउंड है तो वो वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव होगी, और अगर कोई बैड साउंड है तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो अभी तक हम सब, आई थिंक ऑलमोस्ट हम सब 35+ हैं, तो हमारा नेम कम से कम 3 या 4 लाख बारी बुलाया गया होता है अभी तक। तो हमारे नेम में जो भी बैड साउंड होगी तो अभी तक इतनी फ्रीक्वेंसी ले चुकी होती है कि हमको उसके टोटली नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। उसके अलावा अगर ग्रेडिंग पे भी आपका नेम कहीं पे अनबैलेंस्ड है और आपने उसी नेम को मल्टीप्लाई कर दिया, उसी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे हम क्या करते हैं, वेबिनार्स में जाके लेमैन की तरह अपना नेम चेंज कर लेते हैं कि जी मुझे तो 19 पे ले जाना था, या मुझे तो 32 पे ले जाना था, या मुझे तो 24 पे ले जाना था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा ए डाल दिया, एक एक्स्ट्रा डी जी डाल दिया। तो लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसे तो कोई भी पर्सन अपना नेम चेंज कर ले, तो क्या जरूरत है फिर न्यूमरोलॉजिस्ट पे जाने की, या कैसे हम लोग कैसे उसमें राजयोग क्रिएट करते हैं। तो लेमैन की तरह नेम चेंज करने से अच्छा तो मैं यही कहूंगी, आप लोग नेम चेंज ही मत करो। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि सपोज अगर हमको एक अल्फाबेट, हमको रिलेशनशिप इश्यू है, तो ग्रिडिंग में जो हमारी रिलेशनशिप की प्लेस है, हर एक हमारी जो डिजायर है उसकी 3 या 4 प्लेसेस होती है हमारे नेम में, ठीक है। जैसे हमारी DOB से एक ग्रिड बनती है, ऐसे ही सिमिलरली हमारे नेम से एक ग्रिड बनती है। तो ना वो लोशु ग्रिड है, ना वो वैदिक ग्रिड है, वो एक डिफरेंट ग्रिड बनती है नेम से, ठीक है। तो जब उस नेम में, अब जैसे सपोज किसी की DOB में उसके पास ऑलरेडी मल्टीपल 5 है फॉर एग्जाम्पल, या मल्टीपल 6 है, वो अपना नेम भी 5 पे या 6 पे ले जाए, तो उसको नेगेटिव रिजल्ट आएंगे अपने नेम के। सिमिलरली अगर आपकी ग्रिडिंग में आपका रिलेशनशिप सेक्टर खराब शो हो रहा है और आपने जिस अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करा वो आपके रिलेशनशिप की प्लेस का ही था, ठीक है। साउंड तो एक चीज है ही है, अभी मैं ग्रिडिंग की बात कर रही हूँ, तो वो आपकी रिलेशनशिप ग्रिड का ही था, तो वहां पर क्या होगा, आपका रिलेशनशिप और स्पॉइल हो जाएगा। आप लोगों को अगर याद हो तो लास्ट हमारी मेडिकल की क्लास में, जब मेडिकल क्रोनोलॉजी की क्लास थी, तो एक हमारी स्टूडेंट थी प्रिया जी, उन्होंने बताया कि बहुत ही बड़े नामी गिरामी उन्होंने 21,000 रुपये पे किए थे नेम चेंज करने के, और नेम चेंज करने के 1 महीने बाद फैमिली में 3 डेथ हो गई, डबल एस कर दिया था उनके नेम में। तो डबल किसी भी अल्फाबेट को कैसे सीखना है, करना है कि नहीं करना, डबल एस का सबसे बड़ा जो इश्यू होता है या जिसको बैलेंस करना मुझे ऐसे लगता है होना चाहिए कि जब भी अगर अपने नेम में आप एस को डबल कर रहे हो, बिकॉज ये जुपिटर का अल्फाबेट है, हर एक अल्फाबेट नहीं लेकिन जो एस है ये सबसे ज्यादा डिवाइन अल्फाबेट है, जुपिटर का सबसे ज्यादा नॉलेजेबल अल्फाबेट है। एस नाम वाले आप कितने भी लोग देख लो, इतना ज्ञान होता है ना एम्पल में, और हमेशा बांटने को भी रेडी रहते हैं, जहां पे जरूरत नहीं भी होती वहां पे भी ज्ञान दे देंगे कि चल इसका भी भला कर दो, है ना। तो अगर आपने अपने नेम में एस को मल्टीप्लाई कर दिया तो देन यू कैन नॉट अर्न मनी थ्रू इलीगल वेज। इलीगल का मतलब ये नहीं है कि अभी आप स्मगलिंग करो या फिर ड्रग्स लो, इलीगल का मतलब ये होता है, इलीगल का मतलब ये होता है कि आपने
मतलब बिल्कुल भी कोई सी गलत वे से पैसा नहीं कमाना, या बिल्कुल ही सात्विक रहना है, बिल्कुल वाइज रहना है। कभी आप किसी के बारे में बुरा, बिल्कुल हम जैसे गलती से हो जाता है ना हमसे, तो वहां पर हमको उसका नेगेटिव कर्म आता है। तो एस अल्फाबेट को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है? उन्होंने डबल एस कर रखा था उनके नेम में, तो इसीलिए फैमिली में टीन डेथ हो गई थी 1 महीने बाद। तो फिर उन्होंने अपना नेम वापस उसी पे करा जो उनका नेम था ओरिजिनली, ठीक है जी? तो नेम का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। और जैसे आपको अपना फर्स्ट अल्फाबेट भी डिजाइन करना सिखाऊंगी मैं। अब क्या होता है कि अब जैसे मैंने जब अपना नेम चेंज करना था, तो एस पर ही क्यों रखा अपना नेम? तो रीजन उसका ये है, लॉजिक उसका ये है कि मेरे नेम में 1-2 का राजयोग है। आई थिंक जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि मेरे नेम में 1-2 का राजयोग है, और मैं अपने नेम में 3 या 6 नंबर को एक्टिवेट नहीं कर सकती। मैं अपने सॉरी डीओबी में, मतलब अपनी वैदिक ग्रेड में, आई कैन नॉट एक्टिवेट 3 और 6। तो इसीलिए मैंने जो 3 की हिडन वाइब्रेशंस ली थी अपने फर्स्ट अल्फाबेट को एस पे करके, बिकॉज मुझे मेंटोरशिप में आना था, वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी मेरे को इंडिपेंडेंटली काम करना था, है ना? अभी तक तो मैं किसी के अंडर काम कर रही थी, तो वहां क्या काम था? सिर्फ पढ़ाना है। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, कोई सिरदर्दी नहीं थी। यहाँ पर सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है। ऑल्दो आई हैव अ टीम, लेकिन स्टिल मेरे कोर्सेज और मेरे स्टूडेंट्स को मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। तो इसीलिए अपने फर्स्ट अल्फाबेट को एस पे लेकर गई मैं वहां पर। तो आपका फर्स्ट अल्फाबेट भी बैलेंस्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, अकॉर्डिंग टू योर वॉन्ट्स, अकॉर्डिंग टू योर डीओबी, अकॉर्डिंग टू योर एस्ट्रोलॉजी चार्ट। वहां पर क्या दिख रहा है आपके मून राशि के हिसाब से, वो भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो नेम से क्या क्या हो सकता है, एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड। राजयोग क्रिएट करेंगे हम, साउंड्स को ठीक करेंगे हम हिडन फॉर्म में। मतलब मैं आप लोगों को कम से कम 8 या 10 कोर कॉन्सेप्ट्स कराने वाली हूँ। कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब हिडन होता है। तो हिडन फॉर्म में भी हम नेम में गुड कंपाउंड्स को क्रिएट करेंगे, तो वहां पर वो भी हम लोग सीखने वाले हैं इस कोर्स में। यस, डीप लेवल पे जाके तो वो भी हम लोग सीखने वाले हैं इस कोर्स में। तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको नेम से रिलेटेड हो और आप इस कोर्स में ना करो। तो अराउंड 15 to 16 लेक्चर्स हमारे प्रोनोलॉजी के रहेंगे। उसके बाद हमारा मेडिकल है 5 दिन का, और उसके बाद हमारी जीबो सिंबल्स की क्लासेस है। मतलब टोटल 23-24 क्लासेस हम लोग साथ रहने वाले हैं। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हमारी क्लासेस रहेंगी, 9 PM का बैच है, और दैट्स इट। दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। और अभी वीडियोस ऑन हो जाए सबकी, हमारी क्लासेस में प्लीज वीडियो ऑन रखना, सबको कंपलसरी है, स्पेशली क्रोनोलॉजी में, बिकॉज थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है, शायद ही आपने अभी तक करा होगा। वीडियो ऑन रहेगी तो मुझे भी ऐसा लगेगा आप लोग पढ़ रहे हो, दिखेगा मुझे भी, है ना? चलिए, तो मेरे बारे में तो आई थिंक सबने जान लिया बहुत कुछ। छोटे छोटे इंट्रोडक्शन से सबकी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिभा जी मुझे दिख रही हैं। नमस्ते मैम। सायराम सायराम प्रतिभा जी, मैम मैं तो आपके बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ। पुराने स्टूडेंट हो आप? अच्छा, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। हाँ, मैंने आपसे वैदिक किया था बहुत, 2 साल हो गए, लेकिन अब दो दो ढाई साल, अच्छा, 2-2.5 साल हो गए। ओके, तभी तभी मतलब तभी जब आपने स्टार्ट ही किया था शायद वैदिक लेना तभी। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ओके। आपकी जिनकी वॉइस बहुत अच्छी थी। हाँ, आपको याद आ गया ना अब। हाँ, अभी तो आपको गाना भी सुनाना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, अब बीच में या कभी एंड होते हुए सुना देंगे मैम। चलिए, तो न्यूमरोलॉजी कैसे चल रही है प्रतिभा जी? अच्छी चल रही है। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, कहाँ से इंट्रोडक्शन दे दो दोबारा से, मैं भूल गई। अच्छा, दिल्ली से ही हूँ मैम, मैं द्वारका में रहती हूँ। आप दिल्ली से ही हो, द्वारका में रहते हो। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, वेलकम अगेन प्रतिभा जी टू सायरम क्रिएशंस। थैंक यू मैम। रचिता बियानी जी, मैम मैं भी ओम साई राम, आपकी पुरानी सायराम स्टूडेंट हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी किया आपसे भी, जी जी पीके वाले जी बैच में थी। अच्छा, ओके प्रीति ओके ठीक कुलकर्णी को जो पीके किया था, ओके ओके आज वो ओके बहुत ओके अच्छा वो कर रही है।
जी 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 कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल बात होते रहती है, तो तब से था कि वो एक्चुअली पहले भी वो फीस क्रोनोलॉजी के लिए ही दी थी, फिर आपका वैदिक का कोर्स आया तो वैदिक कर लिया, फिर ओके तब से सोच रही थी नहीं करना है करना है, तो अब वापस ज्वाइन किया। स्पाइस रेमेडी का भी क्लास किया था आपके साथ, ओके ओके जी अभी हम कारा विथलीम में भी हूँ, ओके उसको भी करना है, वेबिनार्स अटेंड करते रहती हूँ बाकी। चलिए ग्रेट ग्रेट रचिता जी, वेलकम अगेन रचिता जी टू SRK। थैंक यू मैम। चलिए सश्मिता जी अनम्यूट करिए। सश्मिता जी नमस्ते, नमस्ते, ओम साई राम। मैं बड़ौदा से हूँ। ओके क्या कर रखा है ऑकल्ट साइंस में, कुछ कर रखा है? हाँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजी कोर्स की। अच्छा न्यूमरोलॉजी की लिया, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए आप यस लोगों ने कुछ भी करा हुआ हो मैं यही अज्यूम करूंगी कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक मैम, है, क्योंकि हम लोग रूट लेवल से करने वाले हैं और हम लोग एडवांस तक जाएंगे। चलिए वेलकम सश्मिता जी, थैंक यू मैम। किसी को कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप लोग साथ साथ पूछ सकते हो रिगार्डिंग कोर्स और एनीथिंग। पायल जी, मैम सायराम सायराम, मैं पंजाब से फिरोजपुर से हूँ, ओके क्या मैंने आपका कर लास्ट रहे? क्लास ली थी, मेडिकल रेमेडीज की जो आपने दी थी वो ली थी मैंने, फर्स्ट क्लास आपकी। उससे अच्छा पहले मेडिकल आपसे कभी? कॉलोनी, हाँ ओके जी, ओके 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 चलिए ग्रेट ग्रेट पायल जी, तो कुछ समझ आया मेडिकल में? हाँ जी मैम, अच्छा लगा ना, तभी स्टार्ट किया ये भी। ओके ओके चलिए थैंक यू जी, वेलकम अगेन पायल जी। मौसम थैंक यू मैम। जी, मौसम जी नमस्ते मैम, ओम साई राम। ओम साई राम मौसम जी, हाय एवरीवन। मैम मैंने फर्स्ट क्लास आपके मेडिकल प्रोलॉजी के अभी लास्ट टाइम की, अभी आपके वो उनका क्या हुंकारा भी थली में भी अभी मैंने करा लिया रजिस्ट्रेशन, और ये सेकंड मतलब मेरा है अभी आपके साथ। तो अभी सोच रही हूँ कि अकाउंट में पैसे रख के मतलब बस करती जाऊँ, बस टाइम आप एडजस्ट करिएगा क्योंकि मुझे कोई कोर्स मेरे हस्बैंड के अभी डेट 7 मंथ ही हुए, मैंने बताया था आपको, तो मुझे बहुत रिलैक्स मिला, मतलब शायद ये आपके कोर्सेज से मतलब माइंड फ्री हो गया बिल्कुल मेरा, कि हंस रही हूँ आज, सिंगल मदर हूँ 2 बच्चों की, तो संभाल पा रही बात हूँ कुछ। नहीं, चलिए दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट थैंक मौसम यू सो जी। मच, चलिए वेलकम अगेन मौसम जी, और आपका थैंक इतना अच्छा स्माइलिंग फेस है, मतलब आपको देख के हिम्मत मिलती है कि लगता नहीं यू। ऐसे कि आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नहीं मैम मैं तो एकदम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बस पता नहीं भगवान ने शायद आपके यूट्यूब पे दिखा दिया आपको और मैं उसके साथ आगे बढ़ी। अभी तो जमशेदपुर में शिफ्ट हूँ मैम, पहले पुणे में रहती थी, अभी जमशेदपुर में हूँ। ओके 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 चलिए हम ओके होपिंग इससे आपका अच्छा सा करियर स्टार्टअप हो और आप बहुत आगे जाओ। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू डियर। अनीता गुप्ता जी, जय ओम साई राम मैम। साई राम अनीता जी मैं जयपुर से हूँ जी, और मैंने आपके वेबिनार देखती रहती हूँ, तो ये अच्छा लगा। आपने एक ना वो भी बताया था दिविक के नाम में, है ना, सही नहीं है तो अच्छा हाँ पूरा नेम में ही बैड साउंड आ रही है इसमें। हाँ, लेकिन है ना इसमें ये भी है कि है ना बच्चे करना नहीं चाहते चेंज, कि बोलते हैं नाम ही नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे नाम राइट नहीं आते बच्चों के तो कैसे होगा, यही सोच रही थी मैं। कोई बात नहीं, DI हटा सकते हैं, VI हटा सकते हैं, जो बैड साउंड्स हैं उनको हटा देंगे ना, पूरा नेम नहीं चेंज करेंगे। अच्छा, नहीं तो DI कैसे हटेगा, दिविक नाम रखा हुआ है उन्होंने, आधार कार्ड वगैरह सब बनवा लिए तो वहां तो इसलिए। हमको चेंज करना ही नहीं है ना नीता जी, अभी यही तो हमने बात करी है कि आधार कार्ड पासपोर्ट पैन कार्ड किसी में नेम चेंज नहीं करना। अभी 1.5 साल का ही है ना,
अच्छा अभी 1.5 साल का ही है, आप तो इजीली चेंज कर सकते हो फिर अनीता जी। लेकिन वो नहीं करते बच्चे, बच्चे भी तो नहीं करना चाहते। तो 1.5 साल के बच्चे को क्या पता तो करना नहीं चाहते ना, नाम नहीं मिलता उनको बच्चों को कि नाम समझ नहीं आता। माय सन वाज 7 ईयर्स ओल्ड जब मैंने उसका नेम चेंज करा, बेसिक 9 डेस्टिनी 8, और मैंने उसका नेम रखा हुआ था तनुष, टी पे, टैन इज अ बैड साउंड, एसएच इज अ बैड साउंड। क्या होता है कि हम एज अ पेरेंट तो हम बहुत अच्छा नेम रखते हैं। मैंने देखा था कि तनुष का मीनिंग था कि शिवजी, मतलब शिवजी का ही एक नेम है। तो पहले हम लोग ऐसे ही रखा करते थे, मीनिंग देखा नेम का और रख दिया, लेकिन हमें नहीं पता कि जो नेम में साउंड आ रही है। तो बहुत बीमार रहता था वो, बहुत बीमार ऑलरेडी, उसका जो कैंसेरियन मून है वो, तो इम्यूनिटी तो लो होती है उन लोगों की, तो वो बहुत, जब देखो उसको चेस्ट कंजेशन, गला खराब रहता था। एंड नाउ ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, अब तो अभी तक टच वुड एक बार भी उसको चेस्ट कंजेशन नहीं हुआ जब से नेम चेंज करा। हाँ हाँ, ठीक तो है। जैसे इसमें आपका बेटा 1.5 साल का ही है तो आप तो इजीली नेम चेंज कर सकते हो। नहीं तो जैसे इसमें डीई कर सकते हैं क्या? डीई कर सकते हैं, डीआई से तो बेटर ही है, डीए करेंगे, डीए इज मच बेटर। तो ये तो फिर दैविक हो गया है ना। ओके, देखते हैं। विकास जी। ओम साई राम मैम। साई राम विकास जी। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से विकास श्रीवास्तव, इससे पहले आपके मेडिकल पैथोलॉजी कोर्स में भी था मैं, इससे स्टार्ट हुआ जो जी। ओके, तो ऑकल्ट साइंस में क्या किया है मैम? वैदिक सीखा था पहले, स्पेशलिटी न्यूमरोलॉजी सीखी, वो सब स्टाफ का ज्वाइन किया है। अच्छा, शैल्डियन आपने ऑलरेडी करी हुई है। ओके जी, चलिए, शैल्डियन भी हमारा पार्ट है इसका, क्रोनोलॉजी कोर्स का जी। चलिए, थैंक यू एंड वेलकम अगेन विकास जी। थैंक यू। नीलम त्रिपाठी जी। ओम साई राम। मैंने मेडिकल किया था, मैं नोएडा से हूं। मैंने अभी रिसेंटली मेडिकल वाला करा था। ओके, आपके साथ एंड बहुत सारी चीजें रिलेट करी थी, तो फिर आई थॉट कि अभी उसको डिटेल में देखते हैं। ओके ओके ओके, चलो मेडिकल रिलेट हुआ ना। यस, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट बीच में और भी जो जो आपने बोले थे ना, लाइक कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए थे, तो आई जस्ट केप्ट रिलेटिंग, क्योंकि मैं बेसिकली तो टीचर हूँ बट आई एम इन कॉन्टेक्ट विद मैनी पीपल, तो मतलब बहुत ही सटीक जा रहा था। बिल्कुल, एंड बीइंग अ टीचर आप लोगों के पास तो बहुत डाटा होता है। यस, तो आप लोग तो अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हो। बहुत ज्यादा, मतलब मैं तुरंत तुरंत आई कुड रिलेट, इसीलिए मैंने शायद आपको कई बार उसमें चैट में लिखा भी था कि आई कुड रिलेट इट एवरी टाइम यू वर गिविंग द एग्जांपल्स। ओके ओके, चलिए, थैंक यू नीलम जी, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। दीक्षा जी। साईराम मैम। साईराम दीक्षा जी, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हो? गुड 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 मैम। मैंने तो जो किया वो आपके प्लेटफॉर्म से किया है, जीवू सिंबल, मनी रेखनी, अब वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब ये मुझे लगता है आपने अपने नेम में साउंड कर लिया है कि सारे अट्रैक्ट हो आपसे और कहीं जाए ही ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेम ही मैंने ऐसा सेट किया ना, मनी नंबर सेट किया नेम में। हाँ, कि सारे एक बार जो आ जाए बस, वो साधा मैम को छोड़ के जाने नहीं चाहिए कहीं भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, आपको भी सिखाएंगे। हाँ जी मैम, चलिए होना चाहिए आपके जितने पर कुछ तो पहुंचे टीचर तक। जी जी बिल्कुल, मेरे से आगे निकलोगे दीक्षा जी, डोंट वरी। नहीं मैम, गुरु तो आप ही रहोगे ना, आप आगे हम पीछे पीछे। ओके ओके, चलिए चलिए, वेलकम अगेन डियर। थैंक यू मैम। स्नेहल जी। ओम साई राम मैम। साई राम, साई राम स्नेहल जी। मैम आपका मैंने न्यूमरोलॉजी, पंचपक्षी और मेडिकल प्रोनोलॉजी किया है और अभी ये कर रहा हूँ। बहुत okay. थोड़े टाइम में ही आपसे बराबर नॉलेज मिल रहा है ऐसा लगता है। जी 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 जी, चलिए समझ में आ रहा है सब कुछ। हाँ थोड़ा समझ में आ रहा है मैम, मगर थोड़ा जॉब की वजह से रिवीजन करने में दिक्कत रहता है, मगर आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैं देख रही हूँ न्यूमरोलॉजी क्लासेस में भी आप लेट लेट आते हो ना।
हाँ हाँ मैम चलिए इट्स गुड कि आपको समझ में आ रहा है दैट्स द मेन पर्पस ऑफ माइंड हाँ मैम चलिए वेलकम अगेन स्नेहल थैंक यू मैम थैंक यू मैम गॉड ब्लेस यू ओके जी अभी आज हम मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज भी देने वाली हूँ ठीक है तो करते हैं उसके बारे में बात राशि आसनानी जी यस मैम जी जी मैम मैंने आपसे जो अभी मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था तो दो दिन में ट्रेवलिंग कर रही थी तो उसकी वजह से कुछ चीजें मेरी क्लियर नहीं हो पाई हैं तो अभी जो आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं क्या मैं रीज्वाइन कर सकती हूँ उसको क्योंकि कुछ चीजें क्लियर नहीं है उसमें जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी मेडिकल हमारा रिपीट होगा इस कोर्स में कब से होगा तो आप और अपने स्टाफ से बात कर लीजिएगा या मुझे मैसेज कर दें कब स्टार्ट होगा मैं फिर से ज्वाइन कर लूं जी जी राशि जी बिल्कुल ओके मैम थैंक यू जी ओके हो इज लेफ्ट हां जी दीक्षा जी की हुई है मैम वो कल दियो भेज दो लोकेशन हाँ लोकेशन मैं भेजती हूँ व्हाट्सएप एक्चुअली हमारा ब्लॉक हो गया मैं दूसरे वाले व्हाट्सएप से भेजूंगी हाँ जी ठीक है मैम भेजूंगा ज्योति गुप्ता जी बाकी लोग म्यूट कर लें कृपया हेलो मैम ओम साईराम साईराम ज्योति जी मैम मैंने आपके कोर्सेस किए हैं मेडिकल किया है और कैंडल मैजिक वर्कशॉप भी किया था और मैंने न्यूमरोलॉजी मैंने कहीं और से सीखी है बट मेडिकल एस्पेक्ट वाला पॉइंट वहां मैंने नहीं सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और क्योंकि मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत सारी कंसल्टेशन की है मैंने एक ही कंसल्टेशन की थी अपने फ्रेंड की एंड उसमें ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था उसकी वाइफ के लिए जैसे आपने बताया एंड ही वॉज शॉक कि इतना कैसे तुझे कैसे पता तो मैंने यही बोला मैं सीख रही हूँ कोई झोला चाप नहीं है तो इसीलिए मतलब वो खुद शॉक हो गया कि उसने चीजें बताई नहीं मैंने कैसे प्रेडिक्ट कर दी फट से चीजें जो उसके लिए जो मेन कंसर्न थी तो और साउंड से रिलेटेड मैंने किया है नेम चेंज सीखा है मैंने बट जो मतलब जैसे मैंने आपके वेबिनार्स में देखा कि आप 12 स्टेप तो वो चीजें मुझे न्यू लगी अट्रैक्टिव लगी और मैं और पढ़ना चाहती थी और सीखना चाहती थी इसलिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया और आप जिस वे से सिखाते हो न्यूमरो एस्ट्रो से रिलेट दोनों को कोरिलेट करके बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से सिखाते हो एंड सबकी क्वेरीज लेते हो वो बहुत अच्छा है कि आप एक एक को टाइम देते हो ये नहीं कि हाँ ठीक है नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे या ये कर लेंगे या आप लिख दो ग्रुप पे डाल दो तो वो बहुत अच्छा लगा कि आप सबको टाइम देते हो थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक यू ज्योति जी फॉर योर लवली फीडबैक वेलकम अगेन टू एसआरके हां जी थैंक यू मैम थैंक यू सो मच अमूल्य कुमार जी नमस्ते साईराम सर प्लीज अनम्यूट टच अप हो I think so. Mute, unmute. नहीं कर पा रहे रोमा मल्होत्रा जी हेलो मैम साईराम ओम साईराम मैम वेरी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैंने एक्चुअल में सॉरी यहाँ पे गुड मॉर्निंग होता है तो मैं दोनों चीजें बोल देती हूँ मुझे आदत पड़ गई है चलिए मैम मैंने आपकी लाइक पंचपक्षी की क्लास ली है जो कि बहुत ही अच्छी क्लास है और इनफैक्ट वो मैं इतना अच्छी तरह से यूज कर रही हूँ आपकी फैमिली में तो मेरे बच्चे भी ना दो पूछ लेते हैं कि अच्छा हमने ये टेबल सेट करना है जॉब के लिए घर से वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो कब कौन से टाइम पे करें तो वो इतनी इतनी बात पर भी अब वो सब अप्लाई कर रहे हैं एंड न्यूमरोलॉजी का क्लास एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी तो बहुत ही अच्छी चल रही है बस मुझे ये है कि हम प्रिडिक्शन कर पाए एग्जैक्टली जो हमारे क्लाइंट्स हमें पूछते हैं कि शादी कब होगी और बेबी कब होगा ट्विंस हो गए ये तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजों पे है उस पे मुझे मेन है कि बस वहां तक प्रिडिक्शन पहुंच जाए
फिर तो बहुत ही अच्छा है. एंड डेफिनेटली प्रोनोलॉजी की तो है ही है, हम क्लास कर ही रहे हैं ना, आई होप सो कि बहुत अच्छा सीख पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे. मैम मुझे एक क्वेश्चन था कि मैंने आपसे पर्सनली भी बात करना है, जिससे कि मुझे अपने, मैंने कुछ नाम निकाले अपने फेसबुक के लिए, तो वो और क्या कब बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेरा टाइम जनरली बिल्कुल ऑपोजिट चलता है. आपने जो भेजे थे ना वो मैंने देखे भी थे, आपने किसी भी उस नेम में ना राजयोग क्रिएट करा ही नहीं है. हाँ वो अभी मुझे आता नहीं है, मैंने तो अपने नाम करके भेज दिया. तो थोड़ा वेट करो ना रोमा जी, जब सीख रहे हो तो एक पॉजिटिव नेम को ही आप फेसबुक पे डालोगे ना. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा वेट करो. मैं वैसे ठीक है, या तो ठीक है, या फिर मैं पर्सनल कंसल्टेंसी आपसे ले लूं और फिर उसमें करूँ, या फिर सीख के करें, आप कैसे? नहीं, पर्सनल कंसल्टेंसी क्यों लेनी है जब आप सीख रहे हो तो. ये बात भी सही है आपकी, ठीक है हाँ जी, चलो फिर ये कर लेंगे, ठीक है ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू. बाय. प्रणव मिश्रा जी. हाँ मैम, मैं मुंबई से हूँ. ओम साई राम. मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, बट कुछ जी 5-6 कुछ फंडामेंटल डाउट्स है, शायद समय मिले तो पूछूंगा आपसे. और मुझे, मैंने आपका फर्स्ट वेबिनार देखा और उसी समय मैंने मतलब ज्वाइन कर लिया आपको, क्योंकि मतलब आपका इतना टाइम पर्सनली देते वो मुझे काफी अच्छा लगा कि कोई भी आएगा आपसे तो एटलीस्ट सब डाउट्स क्लियर, और आप जो इस मतलब इस तरह से सिखाते तो वो काफी इन डेप्थ नॉलेज भी मिलता है और आप चीजें जैसे क्लेरिफाई कर देते हैं सब, तो मुझे काफी अच्छा लगा वो. ओके, तो प्रणव जी आपने कोई कोर्स किया है क्या हमारे से, मेरे से मतलब? नहीं, आपसे एक्चुअली आपका मैंने पहला ही वेबिनार अटेंड किया था, उसके अच्छा? पहले हाँ, और उसी में मैंने जो ये प्रोनोलॉजी का ही था और इमिडिएटली मैंने ज्वाइन कर लिया था. ओके ओके ओके. जी जी जी, मुझे पता नहीं था पहले, तो बाद में देखते हैं अभी और जो कोर्सेज होंगे तो. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली पहले ये सीख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे. हाँ हाँ, चलिए वेलकम अगेन प्रणव जी टू एसआर के. या थैंक यू. प्रीति जी, प्रीति जायसवाल. मैम ओम साई राम. मैम ओम साई राम. प्रीति जी क्या हाल है? मैम ठीक है. बहुत दिन से आपका ये कोर्स करना चाह रही थी बट हो नहीं पा रहा था, अभी ज्वाइन कर ली, बहुत खुश हूँ. जी 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 मैम. तो न्यूमरोलॉजी कैसे चल रही है? मैम न्यूमरोलॉजी अच्छी चल रही है मैम, कर रिसर्च कर रहे हैं उसमें, बट अभी मैम ये मतलब जो मैं मेरा ना कम्युनिकेशन जो होता है पावर वो बहुत मतलब वीक है. मैं सामने वाले को कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मतलब अभी तक मैंने किसी को कुछ मतलब किसी को बोल नहीं पाती कि मैंने ये कोर्स कर लिया, मतलब इतना सारा नॉलेज ली हूँ, मैं कहीं बोल ही नहीं पाती हूँ मतलब बाहर. अच्छा जी, तो आपको बोलना क्यों है? आप अपना एक पेज बनाओ, आप उस पे लाइव आओ, लोगों को दिखाओ आपको कितनी नॉलेज है. हाँ वो जैसे अभी तो अंदर से कॉन्फिडेंस ही आता है जैसे. एक्शन एक्शन स्पीक्स बेटर देन योर वर्ड्स, है कि नहीं? जी वही मतलब मेरे मतलब कम्युनिकेशन का काफी ज्यादा मुझे वीक मतलब रहता है, मैं बोलने में बहुत हिचकिचाती हूँ. आपके सामने थोड़ा बोल भी पाती हूँ, आपके सामने थोड़ा आपको देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है मुझे. चलिए हाँ, आप में ना मतलब आपको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है मुझे. चलो कोई बात नहीं, नेम भी थोड़ा बेटर सेट कर लो और अच्छा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा. ओके मैम, थैंक यू मैम. चलिए वेलकम अगेन, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा भी लगता है. चलिए थैंक यू सो मच, वेलकम अगेन टू साईराम क्रिएशंस. थैंक यू मैम. बलराम सिंह जी. जी मैम नमस्कार. ओम साईराम सर. ओम साईराम. ओम साईराम जी. सर आप कहाँ से? जी मैं कन्नौज, यूपी कन्नौज से. ओके यूपी से. तो क्या कर रखा है ऑकल्ट साइंस में? मैंने वास्तु का कोर्स किया है. अच्छा ओके ओके. हम साईराम क्रिएशन से आप पहली बार जुड़े हैं राइट? जी पहली बार जुड़े हैं आप. ओके ओके ओके, चलिए ठीक है. तो नेम में तो कोई कोर्स नहीं किया, न्यूमरोलॉजी भी नहीं की हुई है ना? नहीं नहीं नहीं, नेम में कोई कोर्स नहीं किया. चलिए फिर तो ये कुछ डिफरेंट आपको सीखने को मिलेगा. जी जी जी
चलिए वेलकम टू साइराम क्रिएशन सर. थैंक यू मैम. प्रवीणा जी वीडियो ऑन करिए. वीडियो ऑफ क्यों है? अशोक कुमार जी वीडियो ऑफ क्यों है? तरविंदर कौर जी इंट्रोडक्शन है ना. नेम करेक्शन वाला बताओ तो करो ना. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. आई थिंक बाकी लोग कंफर्टेबल नहीं है इंट्रोडक्शन देने में. लेट इट बी. हेलो हेलो जी प्रवीणा जी. हाँ जी मैम. मैम थोड़ा सा एक्चुअली फीवर हो रखा था तो गला काफी खराब हो रखा है तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी. ओके ओके चलिए कोई बात नहीं प्रवीणा जी. टेक केयर. ओके मैम. थैंक यू. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी मास्टर क्लास. सबसे पहले कुछ टिप्स दे देती हूँ मैं आप लोगों को क्योंकि जब तक हम लोग जुड़े हुए हैं तब तक शायद आप लोगों को हो सकता है रिजल्ट भी आ जाए इन रेमेडीज से. तो सबसे पहले कल जैसे मैंने आज भी वीडियो अपलोड करी थी इंस्टा पे कि कल पुष्य नक्षत्र है तो जब भी पुष्य नक्षत्र होता है उस दिन चांदी खरीदना बहुत अच्छा होता है. तो किस किस ने पहले तो मुझे बता दो कि विश लिखी थी नॉर्थ वेस्ट में. जब न्यू ईयर वाली मैंने बताई थी सस्मिता जी ने लिखी है. ओके रोमा जी ने भी लिखी है. दीक्षा ने लिखी है. मौसम जी ने लिखी है. अच्छा चलो ठीक है वेरी गुड. तो जिन्होंने नहीं लिखी कल लिख लेना नॉर्थ वेस्ट में कल मॉर्निंग में क्योंकि अभी तक लिखी नहीं है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा उसके लिए कल. तो कल मॉर्निंग में 6:30 से 7:30 के बीच में जो लोग विश नहीं लिख पाए आप लोग कल लिख लेना और उसको फिर आफ्टरनून तक मतलब 1:30 बजे हमको ये रिचुअल करना है तो आफ्टरनून तक 1:30 बजे तक वहीं पे पड़े रहने देना नॉर्थ वेस्ट में. चांदी का सिक्का है अगर आपके पास तो बहुत बढ़िया नहीं तो आप कल परचेज भी कर सकते हो. पुष्य नक्षत्र में कभी भी सिल्वर परचेज करना हो तो पुष्य नक्षत्र में किया करो. बहुत ऑस्पिशियस रहता है. जैसे धनतेरस होता है ना कि उस दिन चांदी खरीदनी चाहिए ऐसी पुष्य नक्षत्र में भी चांदी खरीदनी चाहिए. तो जरूरी नहीं है खरीदनी ही है लेकिन अगर खरीदना पड़ रहा है मन है कुछ सिल्वर का खरीदने का तो आप पुष्य नक्षत्र में खरीदा करो. हर 27 दिन बाद आता है एक बार ये पुष्य नक्षत्र. तो क्या करना है कल आपको एक न्यू जार लेके आना है. कैसा भी आप ले सकते हो प्लास्टिक का शीशे का वैसे ज्यादा बेटर रहेगा. प्लास्टिक का भी आप ले सकते हो. कोशिश करो कि ट्रांसपेरेंट जार ही लो है ना. उसके अंदर आपको जो विश आप लिखोगे 130 पे आपको वो विश का पेपर जो है उसके अंदर डाल देना है ठीक है. उसके बाद आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं. एक मुट्ठी चावल लेके आपको 30 सेकेंड्स के लिए जो विश आपने लिखी है वो मैनिफेस्ट करनी है अपनी आईज क्लोज करके. उसके बाद वो चावल भी आप उस जार के अंदर डाल दो ठीक है जी. उसके बाद एक बेलीफ लो. बेलीफ के ऊपर भी आपको सेम विश लिखनी है जो आपने उस पेपर पे लिखी है. देखो सबसे बड़ी बात कि आपको विश वही लिखनी है जो अचीवेबल हो जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो. जैसे आपने कोई कोर्स करा है एक नहीं 2-3 कोर्स कर चुके हो आपकी बहुत अच्छी रिसर्च है लेकिन फिर भी आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही है ना. या फिर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही आप फॉरेन नहीं जा पा रहे मतलब उसके लिए आप एफर्ट्स मार रहे हो लेकिन वो काम नहीं हो रहा है ना. अब जैसे सपोज मैं अपना नेम चेंज कर लूं मैं बैलेंस कर लूं राजयोग क्रिएट कर लूं लेकिन अगर मैं वेबिनार्स नहीं करूंगी मैं आप लोगों को वेबिनार्स में हेल्प नहीं करूंगी मैं आप लोगों को प्रेडिक्शंस नहीं दूंगी तो क्या आप लोग मेरे से कोर्स करोगे या मेरे से कंसल्टेशन लोगे है ना. तो सिर्फ और सिर्फ ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए टूल की तरह बिहेव करती हैं लेकिन कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा. बिकॉज आई एम अ वेरी बिग कर्मा बिलीवर तो मैं क्या पूरी दुनिया को ही होना चाहिए तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा. तो जिस कर्म को आप कर रहे हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा. मैं फिर एक बात बताऊं क्योंकि विश हम लोग क्या लिख देते हैं कि मुझे ये चाहिए पर उसके लिए हम एफर्ट्स नहीं दे रहे. तो विश शुड बी अचीवेबल
ठीक है, तो आपको एक डेली पे वो विश लिखनी है जो येलो कलर के पेपर पे आपने नॉर्थ वेस्ट में रखी थी, सेम विश आपको बेलीफ के ऊपर लिखनी है, वो बेलीफ भी आपने डाल देनी है उस जार में। अब सिल्वर कॉइन अगर है तो वेल एंड गुड, सिल्वर कॉइन नहीं है तो इसीलिए मैंने चावल डलवाए। जिनके पास सिल्वर कॉइन है तो सिल्वर कॉइन भी डाल दो, नहीं है तो जरूरी नहीं आपको खरीदना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम खरीद लेना। एक साल में 12 बार आता है पुष्य नक्षत्र, किसी भी महीने आप खरीद के एक बार जरूर ले लेना लेकिन, ठीक है। तो आपको उस जार में डालनी है, हर महीने जब पुष्य नक्षत्र आएगा आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं, आपको वो विश बोलनी है और वो डाल देनी है। एक विश कंप्लीट हो जाए उसका पेपर निकालो, बेलीफ निकालो, जितनी भी बेलीफ और पेपर अब तक इकट्ठे हुए निकालो और उसको बर्न करके यूनिवर्स को एशेस सेंड कर दो, थैंक यू करते हैं, ठीक है जी। तो ये रिचुअल आपको करना है। अब इन चावलों को आपको कहाँ रखना है, आपको इन चावलों को रखना है नॉर्थ वेस्ट में, घर के नॉर्थ वेस्ट में आपको रखना है, क्योंकि वो चंद्रमा की डायरेक्शन है, मून की डायरेक्शन है। तो अगर आप मून की डायरेक्शन में ही चावलों को रखते हो या सिल्वर को रखते हो तो वहां पे हमारा चंद्रमा जो है ये पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज ये हमारे मन को कंट्रोल करता है, तो हमारा मन जो है ये बैलेंस्ड रहता है, फोकस्ड रहता है हमारा, ठीक है। तो ये रिचुअल कल आप लोग सब कर लेना। रोमा जी अब आप ये देख लेना, आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, ठीक है जी। उसके अलावा आपको एक ब्लू कलर के बाउल में पानी डाल के रखना है, कहाँ पे रखना है, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ये भी हमारे वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है और हमारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। दूसरी चीज ये करनी है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपके घर का जो वेस्ट डायरेक्शन होगी, वेस्ट डायरेक्शन में एवरी सैटरडे आपको लौंग, लुबान और कपूर, अदरक का छिलका, पुदीना, ड्राई पुदीना, इन चार चीजों का आप मिक्सचर बना के रख लो, या आप इनको खड़ा भी डाल सकते हो, मतलब एज इट इज भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं आपको पाउडर फॉर्म में डालना है। कपूर के साथ आपको इनको चारकोल के ऊपर बर्न करना है, चारकोल के ऊपर बर्न करना है मतलब धूनी क्रिएट करनी है, ऐसा नहीं है कि जलाना है दिए की तरह, नो यू हैव टू क्रिएट धूनी, ठीक है। ये आपको वेस्ट डायरेक्शन में एवरी सैटरडे और एवरी अमावस्या करना ही करना है, इससे हमारे गेन्स, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट होगा, मैं सारी इस टाइम पैसे की डायरेक्शंस को टारगेट कर रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में हाँ रोमा जी आप दृक पंचांग में टाइप देख लेना, होरा ऑफ सूर्य कल की है ना, ये मैं होरा टाइमिंग्स ही बता रही हूँ, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मैं रिपीट कर देती हूँ, लिख लो, ड्राई जिंजर, मिंट लीव्स, हाँ लोबान पे बन करना है, लोबान, लौंग एंड कपूर, ठीक है। ये वेस्ट डायरेक्शन में कर लिया करो एवरी सैटरडे, इससे हमारे गेन्स इंक्रीज होते हैं, घर की नेगेटिविटी रिमूव होती है, बहुत सारे पर्पस होते हैं उसके, ठीक है। थर्ड टिप, नॉर्थ ईस्ट में एक पानी का ग्लास रखना है, ये भी आप कल से शुरू कर लेना, कल अच्छा दिन है, पुष्य नक्षत्र है, पूर्णिमा से जिसने कर लिया था वो वेल एंड गुड, नहीं किया था तो कल से कर लेना शुरू। पानी का ग्लास रखना है, उसमें डालना है 1 पिंच मेथी दाना, ये आप नाइट में रखोगे, अगर सिल्वर ग्लास है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप शीशे के ग्लास में रख दो। मॉर्निंग में इस वाटर में आपने एफर्मेशन देनी है, क्या एफर्मेशन देनी है, वही वाली विश जो आपने नॉर्थ वेस्ट में लिखी थी, वही वाली विश आप बोलोगे कि वो मेरी फुलफिल हो गई, ठीक है। आई बॉट माई होम, आई वेंट टू फॉरन, आई हैव स्टार्टेड माई करियर, जो भी आपको विश लिखनी है, ठीक है, जो भी आपने वो विश लिखी थी आपको वही विश बोल, मतलब पहले तो उस वाटर में 3 times बोलनी है। पानी जो है ये सबसे जल्दी एब्जॉर्ब करता है चीजों को, ठीक है, तो वाटर में आपने 3 times उस विश को बोलना है एंड देन आप वो पानी पी लीजिए। पानी पीते समय आपने यही मैनिफेस्ट करना है कि ये जो मैं पी रही हूँ ये अमृत है और मेरा काम होगा ही होगा,
नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का हीलिंग जोन होता है, तो वैसे भी आपके हेल्थ इश्यूज भी ठीक होते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर है तीन रेमेडीज सबको? कोई डाउट किसी का? क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें हम आज की क्लास। ओ भाई साहब, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है प्रणव जी आपके, सब बिग इश्यू। ज्योति गुप्ता जी, मैम जो आपने जो जार का बताया था, तो मैम अगर जैसे घर में चार लोग हैं, अगर उनको करना है तो चार अलग जार होंगे या एक जार में अपनी विश डाल देंगे? हाँ, एक जार में चार विशेस डाल दूंगी। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, लेकिन आप राइस सब अपना अपना डालेंगे पिंच का? हाँ ठीक है। अच्छा दीक्षा, आप तो कल 1:30 पे होगे नहीं ना, तो आपने तो विश पहले से ही लिखी हुई थी, तो आप मॉर्निंग में कर लेना ये रिचुअल। ठीक है, चल मैम। हाँ जी मैम, बाद में फिर उस राइस का क्या करना है, अगर उसमें कीड़े वीड़े अगर लग जाते हैं तो? जैसे हाँ, बता देती हूँ, राइस का भी बता देती हूँ क्या करना है आपको। हर 3 महीने बाद आपको ये जार चेंज करना है, मतलब जिसमें चावल थे आप क्या करोगे कि आधे चावल आप अपने फूड में यूज करोगे और आधे चावल आप उसको गाय को खिलाओगे। ठीक है, या बर्ड्स को खिला सकते हो, किसी भी एनिमल को खिलाना है आपसे मैम ये 3 मंथ के बाद। ठीक है, हाँ अनीता जी बोलिए। मैम फर्स्ट वाली आपने बोली थी, वो एक बार दोबारा बता देंगे? फर्स्ट वाली कौन सी बोली थी मैंने, जार वाली? हाँ अच्छा, आपने नॉर्थ ईस्ट में विश लिखी थी न्यू ईयर पे? नहीं लिखी थी। तो आप क्या करोगे, कल पहले तो आप अपनी विश लिखोगे, येलो कलर के पेपर के ऊपर आपको विश लिखनी है। रेड पेन से लिख सकते हो या ग्रीन पेन से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके ठीक है, ऐसी विश जो अचीवेबल हो, आप इसको अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए भी लिख सकते हो, सपोज आपके हस्बैंड है, आपका बच्चा है, किसी के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप उसको आफ्टरनून तक, मॉर्निंग में आपने ये लिखनी है, सुबह 6:30 to 7:30 के बीच में आफ्टरनून तक आप उसको नॉर्थ वेस्ट में ही पड़े रहने दो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप उसके ऊपर चांदी का सिक्का रख दो, आपके पास नहीं है चांदी का सिक्का तो आप उसके ऊपर कोई क्रिस्टल रख दो। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आपने रख दिए विश। अब आफ्टरनून में आपको क्या करना है, आपको एक खाली जार लेना है, न्यू जार खरीदना है। ओके ठीक है, अनयूज्ड होना चाहिए, अगर आपके पास कोई अनयूज्ड पड़ा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। कोई भी उसका कांच का या स्टील का? हाँ, कांच का बेस्ट है, कांच का बेस्ट है, अगर कांच का नहीं है तो फिर आप प्लास्टिक का ले लेना। ठीक है ठीक है, अब आपने जो विश लिखी थी, पहले तो आप उस विश के पेपर को डालोगे। अब आप एक मुट्ठी चावल लोगे, एक मुट्ठी चावल आपने हाथ में लिए और 30 सेकंड्स के लिए आपने आंखें बंद करके उस विश को विजुअलाइज करना है कि मेरी वो विश पूरी हो गई। आप कितना खुश हो रहे हो आपकी वो विश पूरी हो गई, है ना, आप कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, वो आपने विजुअलाइज करा, अब आपने इस मुट्ठी के चावल को उस जार में डाल देना है, थैंक यू यूनिवर्स या विश को दोबारा बोलते हुए कोई कैसे भी आप डाल देना उसको। ठीक है जी, अब आप इसको बंद करके रख दो, दैट्स इट। कब तक रखना है? बोल तो रही हूँ आपको, ऐसा हर पुष्य नक्षत्र पे फिर से इसको रिपीट करना है। अच्छा, पुष्प नक्षत्र पे करनी है? हाँ, पुष्य नक्षत्र में। अगर आपको इस महीने का तो मैंने बता दिया 8 जनवरी का है, नेक्स्ट मंथ का मैंने मेरे इंस्टा पे रील डली हुई है, वहां पे मैंने मेंशन कर दिया है पूरे साल के। ठीक है, 3 मंथ के बाद आप आधे चावल अपने खाने में मिलाओगे और आधे चावल आप बर्ड्स को डालोगे या फिर आप गाय को खिला दो, जैसे भी जो भी आपको यूज करना है, मतलब आपको किसी एनिमल को खिलाना। ठीक, हम अपनी ब्लेसिंग जितनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो उतनी हमको बढ़ के मिलती है, तो ये ब्लेसिंग क्रिएट करिए आपने अपने लिए। ठीक ठीक है, क्लियर है नीता जी? हाँ चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। अगेन बेसिक डिटेलिंग ऑफ अल्फाबेट से ही हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ऑफर जो दिया था कि 2000 रुपीज पे करके आप लोग अपनी सीट बुक कर सकते हो, तो काफी लोगों ने तो फुल पेमेंट करी हुई है, तो जिन्होंने 2000 पे किए थे उनको हम फर्स्ट 5 क्लासेस वो अटेंड कर सकते हैं। आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, और उतने में ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रही है, आपको इस साइंस से कितना कनेक्ट हो रहा है। वैसे तो आई नो, ये मुझे पता है कि आपको समझ में आएगा,
और अगर किसी को भी मनी इश्यूज हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को जो मैं राजयोग क्रिएट करना सिखाऊंगी आपके नेम में, उससे आपके मनी क्रंचेस तो डेफिनेटली खत्म होने वाले, क्योंकि जो ये राजयोग हम क्रिएट करना सीखेंगे दैट इज ओनली फॉर मनी, ठीक है, उससे सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा ही बेटरमेंट होता है। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, जैसे रिलेशनशिप है, हेल्थ है, मकान है, फॉरेन है, तो वो हम ग्रेडिंग में ठीक करेंगे, लेकिन जो हम ये राजयोग क्रिएट करना सीखेंगे दैट इज ओनली फॉर मनी, ठीक है। तो मनी इश्यूज तो खत्म होने ही वाले हैं। उसके अलावा बहुत सारे मिथ आपके क्लियर होंगे इस क्लास में, जैसे हमें पता है 1-8 का जिसका बेसिक डेस्टिनी होता है तो नेम में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैंने 8 नंबर होने के बाद भी 1 पे नेम रखा है। मेरा माय सन ही इज 9 और 8 का कॉम्बिनेशन और उसका नेम मैंने 1 पे ही सेट किया है। तो कौन कौन 8 वाले 1 को यूज कर सकते हैं और कौन कौन नहीं यूज कर सकते। उसके अलावा 3-6 का भी बहुत बड़ा मिथ है कि 6 नंबर वाले 3 पे ना ले जाएं, 3 वाले 6 पे ना ले जाएं, लेकिन अगर हम शार्डियन को फॉलो करें तो 369 इज अ फैमिली और नेम जो है ये इस शार्डियन डिवाइन मेथड से ही नेम चेंज किया जाता है। तो क्या करें, किसको फॉलो करें, ये भी आप लोगों का मिथ क्लियर होगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मिथ है कि 15 नंबर, 24 नंबर, 32 नंबर, इन पे हम अपने नेम को लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं। जैसे 15 का मैंने बताया था कि 15 एक ऐसा कंपाउंड है, जितने भी लोग 15 को बॉर्न हुए, रेखा जी 15 की बॉर्न है, हेमा जी 15 की बॉर्न है, तो हम देख रहे हैं अपनी एज से कितने यंग है, नहीं उनका नेम है 15 पे, सॉरी, तो अपनी एज से बहुत यंग दिखते हैं लेकिन रिलेशनशिप इशू देते हैं, ठीक है। तो अगर DOB में ऑलरेडी रिलेशनशिप इशू का योगा है तो उसको नेम में क्रिएट नहीं करना। तो बहुत सारे योगास भी आपको इस कोर्स में पता चलने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही कंप्लीट लेवल का कोर्स है, प्रोफेशन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप राइट प्रोफेशन में नहीं हो तो नेम चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। अपने अपने नंबर्स के हिसाब का प्रोफेशन करो, है ना, वो भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, कंपनीज का नेम कैसे हमने ठीक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही पता होता है कि ओनर की DOB के हिसाब से नेम चेंज करना होता है कंपनी का, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। किसी प्रोडक्ट का नेम है वो कैसे सेट करना है वो हम लोग समझेंगे। तो नेम जहां पे भी आता है, घर का नाम, प्रोडक्ट का नाम, कंपनी का नाम, आपका नाम, किसी भी चीज का नाम है अगर, तो क्योंकि बुलाया तो नाम से ही जाएगा, प्रोडक्ट भी नाम से बुलाया जाएगा, है ना, कंपनी भी नाम से बुलाई जाएगी, आप भी नाम से बुलाए जाओगे, घर को भी हम नेम से बुलाते हैं, फलाना भवन, साईं भवन, शिव सदन, पता नहीं क्या क्या नेम्स होते हैं, है ना। तो अब जैसे शिव सदन की ही हम बात करें तो नाम तो भगवान जी का है लेकिन स्टार्ट श से हो रहा है ना, तो घर में रहने वाले लोगों को हेल्थ इश्यूज आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि घर के लोग एक दूसरे से कोई रिश्ता ही, मतलब वास्ता ही नहीं रखते होते, अपने अपने में मस्त रहे, क्योंकि आइसोलेशन भी देती है SH साउंड। तो बहुत सारी चीजें आप लोग इस क्लास में सीखने वाले हो। नहीं रोमा जी, यू डोंट हैव टू रीराइट योर विश, जो आपने लिखी थी नॉर्थ वेस्ट में, हमने रखी हुई है इतने दिनों से, मेरी खुद की भी पड़ी हुई है नॉर्थ वेस्ट में, उसको हम कल डाल देंगे, यू डोंट हैव टू राइट इट अगेन। मैम वेस्ट जोन रेमेडी रिपीट कर दो। वेस्ट जोन में आपको मैंने 5 इंग्रेडिएंट्स बताए थे, लौंग, लुबान, अदरक, सूखी अदरक एंड पुदीना। अगर आप इंस्टेंट कर रहे हो तो आप कैसा भी पुदीना ले सकते हो, या फिर आप ड्राई पुदीना को भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। हाँ ब्लू पेन भी ठीक है रोमा जी, कोई इशू नहीं है, मैंने रेड से लिखा, कोई इशू नहीं है कलर का, ठीक है, क्लियर है बलराम जी, आई होप आपको। चलिए तो लेट स्टार्ट।
तो हमारी तो पंचलाइन ही है बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ये हमारे कोर्सेज हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे कराए जाते हैं. ये हमारा मास्टर ट्रोनोलॉजी कोर्स का पोस्टर है. ओके, अल्फाबेट से ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फर्स्ट अल्फाबेट होता है. सबसे ज्यादा वाइब्रेशन हमको उसकी मिलती है. तो मेडिकल में भी मैंने आप लोगों को कराया था, तो जिन्होंने मेडिकल कर रखी है उनके लिए रिविजन हो जाएगी. हाँ यस प्रतिभा जी, राइज नॉर्थ वेस्ट में ही रहने लेंगे. हर 3 मंथ्स के बाद हमको पुराने राइज यूज कर देने हैं, फिर न्यू उसी जार को यूज करना है, नया नहीं लेके आना. ठीक है ना, राइज लेके न्यू लेके आने हैं. ये बात मैंने आप लोगों को बताई कि अगर कल आप चांदी नहीं खरीद सकते तो चावल नए लेके आने हैं. घर में पड़े हुए चावल यूज नहीं करने, शायद ये मैं बताना भूल गई है ना, क्योंकि चांदी और चावल ये दोनों चंद्रमा की आइटम्स है. बोलिए प्रतिभा जी. मैम जैसे ये चावल मान लो कि हर महीने विश लिखनी है तो हर महीने चेंज होंगे ना चावल, 3 महीने में तो नहीं, एक ही महीने में चेंज हो जाएंगे? नहीं नहीं, 3 मंथ्स तक आपको सेम जार में ही डालना है. फिर 3 मंथ्स के बाद आप अपनी विश और बेली निकाल के उन चावल को यूज करोगे. ठीक 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 है. चलिए ए अल्फाबेट की बात करेंगे. अब देखो नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है प्रीति जी के, नॉर्थ ईस्ट में लख लेना प्रीति जी. फिर आप प्रणव जी, आप भी अपने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की, मेरे को याद आया टॉयलेट से, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी करिए. बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट होने की वजह से आपको, आप नेम चेंज कर लो, दशा की रेमेडी कर लो, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे. या तो आप एनर्जी ट्रांसफर करा सकते हो, एनर्जी शिफ्ट कर सकते हो उसकी. क्या रेमेडी करी हुई आपने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की? प्रणव जी का है, आई कैन नॉट सी यू प्रणव. चलिए बाद में, लास्ट में बात करती हूँ मैं आपसे. ओके अब शार्डियन टेबल में मैं, चलो मैं आपको पहले लिखवा देती हूँ. आई थिंक सबको पता ही होगा, फिर भी लिख लीजिए. 1 नंबर के जो अल्फाबेट्स हैं, ए आई जे क्यू वाई, टू नंबर बी के आर, थ्री सी जी एल एस, फोर डी एम टी, फाइव ई एच एन एक्स, सिक्स यूवीडब्ल्यू, सेवन ओजेड, एट टीएफ. ठीक है, तो ये आप लोगों को टेबल अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए. खाते पीते उठते बैठते ए आई जे क्यू वाई, वन बी के आर, टू थ्री सी जी एल एस, फोर डी एम टी, मैंने ऐसे ही लर्न किया था, इसलिए बता रही. ऐसे 4 तक कर लेना, फिर जब 4 तक अच्छे से हो जाए तो फिर 5 6 7 8 कर लेना. ठीक है, अब हम 1 नंबर की अगर बात करें तो ए आई जे क्यू वाई 5 अल्फाबेट जो है ये 1 नंबर को डिनोटेड है. और 1 की क्वालिटीज क्या क्या होती है? 1 हमको अथॉरिटेटिव बनाता है, लीडरशिप देता है, इगोइस्टिक बनाता है, मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी देता है, आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं. बहुत छोटी एज में 1 वालों को होता है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, और हो भी जाते हैं बहुत जल्दी. ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स अल्टीमेट लेवल की होती है 1 वालों की, और इगोइस्टिक बहुत होते हैं. ठीक है, लेकिन अब 5 अल्फाबेट्स हैं 1 के, ए भी है, आई भी है, जे भी है, क्यू भी है, वाई भी है.
क्या ये सब सेम क्वालिटीज पजेस करेंगे? नो, ये हमें डिटेल में समझना है. ए वाला जो है इसके पास वन की सारी क्वालिटीज बैलेंस फॉर्म में. आई वाला जो है ये थोड़ा वीक फॉर्म है वन का. जे वाले के पास मैग्नेटिक क्वालिटीज है वन की. क्यू वाले के पास फीमेल क्वालिटीज है. और वाई वाले के पास, वाई इज ऑल्सो अ वीक फॉर्म ऑफ नंबर वन. ठीक है, तो अब किसको पॉजिटिव फॉर्म लेनी चाहिए वन की, किसको वीक फॉर्म लेनी चाहिए वन की, ये सीखना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए. ठीक है, अब जैसे ए अल्फाबेट है, ए अल्फाबेट पे नेम हर किसी को नहीं रखना चाहिए. ठीक है, तो ये चीजें सीखेंगे हम इस कोर्स में. उसके अलावा कौन से अल्फाबेट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. हम किसी भी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब जैसे मुझे अगर अपना नेम वन की वाइब्रेशन से इंक्रीज करना है, मेरे नेम में ए आ रहा है, आई आ रहा है ना, ए और आई आ रहा है खाली, तो वहां पर मैं किसको मल्टीप्लाई करूं, मैं किसको डबल करूं, और मेरे नेम में तीन जगह ए आ रहा है, कौन से वाले ए को मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरा पर्पस क्या है. ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सब हम धीरे धीरे करेंगे के क्लास में. आज हम बात कर रहे हैं ए अल्फाबेट की, अल्फाबेट देता क्या है. तो हम जो सीख रहे हैं ये हम सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट की ही बात कर रहे हैं. आपके नेम में ए कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन अगर आपका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये सब क्वालिटीज आपके अंदर डेफिनेटली होंगी. ठीक है, ये जिन पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिन पीपीटी से, ये आप लोगों को मिलेगा. लेकिन इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ बताऊंगी आपको क्लास में जो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा. तो आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू मेक योर नोट्स, ताकि आप लोग जो एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ वो भी आप लोगों के पास सेफ रहे. वैसे तो जो ये वीडियोस भी आप लोगों को मिलेंगी, एवरीडे की वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग तक शेयर कर दी जाएगी, राइट. लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट टू मेक योर नोट्स. मैं आप लोगों को अपने पुराने रजिस्टर्स दिखाऊंगी निकाल के, ऐसी उनकी हालत हुई हुई है, येलो कलर की हुए हुए, क्योंकि आई स्टार्टेड स्टडिंग 2008 में मैंने पढ़ाई करनी शुरू की थी, तो बहुत येलो कलर के पेजेस हुए हुए हैं रजिस्टर के, बट फिर भी उनको ऐसे संभाल के रखा हुआ जैसे एसेट हो बहुत अच्छे. तो आप लोगों के भी जो रजिस्टर्स होंगे, जो आपके नोट्स होंगे, आपके बहुत काम आने वाले हैं बाद में. आज भी बहुत चीजों के लिए मैं अपने रजिस्टर्स ओपन करती हूँ, है ना. तो जरूर लिखिए, जो इसमें मेंशनड है वो भी लिखिए, और जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो तो लिखना ही लिखना है. ठीक है जी. तो ए वाले जो होते हैं इनके अंदर फर्स्ट अल्फाबेट है, तो नंबर वन की जैसे मैंने बोला कि सारी क्वालिटीज ए के पास होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. ठीक है, तो पॉजिटिव क्वालिटीज क्या क्या है ए की, कि इनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होती है. किसी भी काम को स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लेते हैं, दैट आई विल डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट. ठीक है, उसके अलावा ऑनेस्ट होते हैं, इनके आइडियाज खुद के होते हैं, बिकॉज इनको बहुत ज्यादा आइडियाज आते हैं माइंड में, तो ओरिजिनल आइडियाज एंड रियल आइडियाज, ऐसा नहीं है किसी को कॉपी करेंगे. ठीक है, एम्बिशियस होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत छोटी सी एज में ही इन लोगों को जज्बा होता है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, और ये हो भी जाते हैं. ठीक है, तो ये एक ही सारी पॉजिटिव क्वालिटीज है. दे हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, ईगोइस्टिक होते हैं, तो कहीं अगर आपके नेम में वन मिसिंग है लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं, तो हो सकता है आपका नाम ए से शुरू हो रहा है, तो इस वजह से आपके पास ये क्वालिटीज है. लास्ट टू लास्ट नहीं, जो मेरा सेकंड कोर्स था क्रोनोलॉजी का, सबसे पहले क्रोनोलॉजी मैंने ही स्टार्ट करी है पढ़ानी. तो जनवरी में मेरा फर्स्ट बैच था, उसके बाद मार्च में मेरा सेकंड बैच था. जो मार्च वाली क्लास में एक स्टूडेंट थे मेरे, तो वो कहने लगे कि मैम मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी भी मैंने सीखी, न्यूमरोलॉजी तो सीखी ही सीखी, एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, ये जानने के लिए कि मेरे पे राहु का इतना प्रभाव क्यों है. लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरे पे राहु का इतना प्रभाव क्यों है. क्रोनोलॉजी करने के बाद उनको समझ में आया कि उनके ऊपर राहु का इतना प्रभाव क्यों है, क्योंकि उनकी डीओबी में 4 नंबर मिसिंग था. ठीक है, तो जिस नंबर की क्वालिटी आपको चाहिए, वो भी कौन सी वाली क्वालिटी चाहिए, क्योंकि हर एक नंबर के 5 अल्फाबेट्स हैं हमारे पास,
किसी के तीन या चार भी हैं, लेकिन तीन चार तो हर एक के हैं, तीन तो मिनिमम है। तो जिस नंबर की क्वालिटी आपको चाहिए वही आपका फर्स्ट अल्फाबेट होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे मुझे जुपिटर की पावर चाहिए थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ गुड मेंटोर, ठीक है। तो और एक आपको बात बता दूं कि कभी भी किसी से भी आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हो, अगर उसका नेम अल्फाबेट ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आप कोशिश करना कि आप बहुत अच्छे से मतलब छानबीन करके ही वहां पे कोर्स करना, क्योंकि ये जो ए का अल्फाबेट है ये एक पर्सन के नेम को तो बहुत अच्छा बनाता है, मतलब खुद को हमको लीडरशिप क्वालिटीज देता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूट का, किसी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उसका है अगर, तो वहां के जो हायर अथॉरिटीज होंगी वो अपनी बहुत जलाएंगे और वो बिल्कुल वाइज नहीं रहते अपने अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखना। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने मेरी डॉटर के लिए ट्यूशन ढूंढनी, ठीक है, मेरे बच्चों का नेम भी ऐसे ही शुरू है उनके स्कूल का, वहां पे भी मैंने इस चीज को ध्यान रखा था, ठीक है। तो मेरे को अपनी डॉटर के लिए ट्यूशन ढूंढनी थी, तो इंस्टीट्यूट्स, चार इंस्टीट्यूट्स उसने मुझे शॉर्टलिस्ट करके दिए कि मम्मा मुझे इन चारों में से, मेरे साथ आप चलो हम बात करके आते हैं, मुझे ज्वाइन कर। तो मैंने उसको बोला कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको बोला कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे नेम बताओ, मैं नेम से ही आपको बता दूंगी आपको कौन सा ज्वाइन करना है। तो उन चारों में से सिर्फ एक ही का नाम था शंकर इंस्टीट्यूट, तो वही मैंने उसको बिना डेमो लिए ही मैंने उसको बोला कि बेटा आपको ये ज्वाइन करना है एस से, क्योंकि स्टार्ट हो रहा था। तो जहां पर भी एस से नेम स्टार्ट हो रहा होता है, मतलब जहां पे भी वन का अल्फाबेट, स्पेशली ए, बाकियों की बात मैं नहीं कर रही, सिर्फ मैं ए की ही बात कर रही हूँ, तो वहां पर आपको थोड़ा सा जान पड़ताल कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको ऑथेंटिक चीजें या फिर आपके साथ मतलब बिल्कुल यू नो एवरीथिंग, जैसे हम अब साइरन क्वेश्चन के साथ जुड़ोगे तो हमारे यहाँ आपको आई गिव माई ऑल नॉलेज, जो मेरे पास होगा मैं आपको पूरा दूंगी, तो ये आपको हर जगह एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो मेरा मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी ऐसे है, मेरा खुद का नाम भी ऐसे है, तो ये सब चीजें हमने क्रिएट करी है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमको गॉड ने दी है, अब गॉड ने हमें क्या दिया है, हमें डेट ऑफ बर्थ दिया है, वो हमारे हाथ में नहीं है। मेरे मेरी ग्रिड में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, क्या मेरा बेसिक डेस्टिनी क्या है, क्या वो मेरे हाथ में है, नहीं है, मुझे बाय डिफॉल्ट मिला है। मेरे जो प्रारब्ध था, प्रारब्ध मतलब मेरे पास लाइफ कर्मास, तो मेरा जो प्रारब्ध था उसके हिसाब से मुझे एक डीओबी मिली है, ठीक है, उनपे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो मुझे मिलनी ही थी। अब जैसे माय सन इज ऑल्सो 9 और 8 का कॉम्बिनेशन, जबकि मैंने बहुत कोशिश की थी एक अच्छी बेसिक डेस्टिनी पे डिलीवरी होने की, लेकिन बिकॉज हमारा ये प्रारब्ध होता है, हमारा इस पे कंट्रोल नहीं होता, है ना। तो सिमिलरली जो आपका प्रारब्ध होगा वहां पर आपका डीओबी पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन नेम एक ऐसी चीज है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं, गूगल, ठीक है, फेसबुक, याहू, जूम, इंस्टाग्राम, ये सब क्रिएटेड है, ये भगवान ने नहीं बनाई, ये मैनमेड है, ये हमने क्रिएट करे। तो जो चीज हम क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, उसको ही हम पॉजिटिव करना सीखेंगे, है ना। तो ए वाले में थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखना कि थोड़े से यू नो बॉसी होते हैं, और अगर किसी कंपनी में आप जा रहे हो, वहां पे आप जॉब कर रहे हो, तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर होके जाना कि अगर ए से उस कंपनी का नेम शुरू हो रहा है, तो आपको अगर आप वहां पे जॉब कर रहे हो तो आपको इम्प्लॉय ही समझा जाएगा, फैमिली नहीं समझा जाएगा, और आपको वहां पे जैसे कहते हैं ना बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा वहां पे, है ना। तो ये सब चीजें आप लोग इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीखने वाले। तो ए नाम से अगर किसी का शुरू होता है, किसी पर्सन को अगर हम ए से शुरू कराएंगे, तो डेफिनेटली उसके अंदर ये सब क्वालिटीज आएंगी, ठीक है जी। चलिए, तो इट हैज वंडरफुल पावर्स ऑफ सन एंड टेक्स यू टू द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। अब इसके साथ
क्या क्या अल्फाबेट्स क्या क्या साउंड्स अच्छी हैं वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। हम मोर देन 100 साउंड्स करने वाले हैं इस कोर्स में, ठीक है। मेडिकल क्रोनोलॉजी में भी हमने कम से कम 25-30 साउंड्स की थी, है ना, तो यहाँ पर भी हम 100 साउंड्स करने वाले हैं। तो बहुत साउंड्स में तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे इस कोर्स में। अभी हम अल्फाबेट्स, उसके बाद हम कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, फिर हम कोर कंसेप्ट समझेंगे, फिर जाके हमारा 12 स्टेप फॉर्मूला आएगा। तो 15 क्लासेस के बाद आप लोग, 15 नहीं, हम लोग 13 क्लासेस के बाद मैं आप लोगों को अलाउ करूंगी कि अपना नेम चेंज कर लो आप लोग, ठीक है। तो एक महीने बाद आप अपना नेम चेंज कर सकते हो, मैं आपको उसके अथॉरिटी दे दूंगी, लेकिन अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे, कोई अपना नेम चेंज नहीं करेगा। सिर्फ अभी हम पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे लोगों के नेम पे, एनालाइज करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना लग रहा है। मैं जो पढ़ा रही हूँ मुझे पता है वो 100% लगेगा, लेकिन आप लोग भी अपनी रिसर्च करोगे, आप लोग भी लगा के देखोगे लोगों के नेम्स पे कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो लग रहा है, क्योंकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। चलिए, तो हमारे एफर्ट्स फ्रूटफुल होते हैं जब ए से हमारा नेम स्टार्ट होता है। तो अगर मेरी कंपनी का नाम है तो मैं तो ए से रखूंगी, है ना, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है वो मैटर करता है। न्यू आइडियाज आते हैं माइंड में, क्योंकि सन की पूरी पावर मिली हुई है ए को। तो हम हर एक नंबर में करेंगे ऐसे अल्फाबेट कि वो पूरी पावर उसको उस नंबर की मिली हुई है। तो वन नंबर की फुल पावर जो है वो ए को मिली हुई है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है जी। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होती है, गजब का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है अगर आपका नेम ए से शुरू है। तो ये सब क्वालिटीज नंबर वन की वजह से इसको मिली हुई, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रहा है, कोई क्वेरी है तो आप लोग बीच में पूछ सकते हो। बी, अब बी किसका था, बी के आर हमने करा था टू, तो टू नंबर का सबसे पहला अल्फाबेट है बी। तो बी से अगर आपका नेम स्टार्ट हो रहा है तो आप कोऑपरेटिव तो होगे, ठीक है, उसके अलावा आप मूडी बहुत ज्यादा होगे, मूड स्विंग्स रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा को जैसे कि मूड स्विंग्स का कारक कहा गया है ना, अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच्ड। अगर बी से आपका नेम स्टार्ट हो रहा है तो वेरी क्रिएटिव, हाईली स्पिरिचुअल। अब आप देखोगे कि यहां पर इनिशिएटर भी लिखा हुआ है और शाय एंड फेंट हार्टेड भी लिखा हुआ है। अब इन दोनों चीजों में क्या कॉन्ट्रोवर्सी है कि इनिशिएटर भी है और शाय भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वर्क प्लेस पर दे आर इनिशिएटर्स, ठीक है, वर्क प्लेस पर ये इनिशिएट लेते हैं काम करने का, क्योंकि इनको हर चीज की नॉलेज रहती है, हर चीज की डीप नॉलेज रखते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर बात आएगी घर में, घर में किसी भी काम करने का इनिशिएशन नहीं लेंगे, वहां पर दे आर शाय, लेकिन वर्क प्लेस पे दे आर वेरी गुड इनिशिएटर्स, ठीक है जी। उसके अलावा आर्टिस्टिक होते हैं, सिंगिंग म्यूजिक इनके शौक होते हैं इनको, दे हैव गुड इमेजिनेशन, स्ट्रॉन्ग माइंड, ठीक है। और उसके अलावा इसका जो लकी कलर होता है बी वालों का, दैट इज ब्लू कलर, ए वालों का केसरिया, बी वालों का ब्लू, ठीक है। अब बी के साथ, अब हर बी वाले में ये क्वालिटी नहीं होगी, अगर बी के साथ अच्छी साउंड्स है तो पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी, नहीं तो हो सकता ना भी हो। जैसे बी ए बहुत अच्छी साउंड है, ए बी बहुत अच्छी साउंड है ना, तो वहां पर और एनहांस हो जाती है उस अल्फाबेट की क्वालिटीज अगर साउंड भी साथ आ जाए तो, सोने पे सुहागा। नेक्स्ट इज सी अल्फाबेट।
अब सी जो है ये 3 नंबर का अल्फाबेट तो है, लेकिन इसके पास 3 नंबर की बहुत कम क्वालिटीज हैं। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है लेकिन उस नॉलेज का इसको बहुत घमंड होता है। क्यों? इसको ऐसा लगता है कि मेरे पास ही पूरे जहान की नॉलेज है, वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग, और हाई हेडेड, बहुत गुस्से वाले होते हैं। सी अल्फाबेट से इनका नेम स्टार्ट हो रहा होता है। दूसरों से काम करवाने में माहिर, लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम इनको बहुत ज्यादा होती है। दूसरों से काम कराने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन जहां पर इनको खुद को फिजिकल वर्क करना पड़ जाए तो वहां पर ये इनको, ये वहां पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस या बिजनेस ही करना चाहिए अगर आपका नेम सी से शुरू हो रहा है तो, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू डू फिजिकल वर्क मोर। ऑर्डर देने का काम जो होता है ना, या बैठे रह बैठ के करने का काम, वहां पर ही अच्छा करते हैं। इसीलिए सी अल्फाबेट कभी भी अपने नेम में मल्टीप्लाई मत करना, मतलब एक सी और नहीं डाल सकते आप। ठीक है, वाइज होते हैं, अदरवाइज इंटेलिजेंट होते हैं, और जैसे कि मैं बोलूं कि उस इंटेलिजेंट का इनको घमंड भी होता है, दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट और मेरे को तो बड़ी अच्छी खासी नॉलेज है। अब सी का अगर हम शेप देखें तो ये तो चलो यहाँ पे बना हुआ है तो, लेकिन हम सी मोस्टली ऐसे लिखते हैं ना, तो सी की अगर हम शेप देखें तो सर्कल आधा खुला हुआ है, पूरा सर्कल बंद नहीं है, है ना। तो सी को एक चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज इसके अंदर जाती है वो चीज वापस बाहर भी आ जाती है ना, बिकॉज ये ओपन है। तो इसको इस चीज का ध्यान रखना है कि सीक्रेट्स अपने अंदर रखने की कोशिश करें, और परफॉर्मेंस इनकी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है इस वजह से, बिकॉज ये कर्मों का नंबर है। जुपिटर जो है ये बहुत ही ज्यादा विजडम का प्लैनेट है। ठीक है जी, चलिए डी नंबर। अगेन राहु का फर्स्ट अल्फाबेट है डी, और डी ऐसा अल्फाबेट है राहु का जिसके पास राहु की सारी क्वालिटीज हैं। जैसे ए के पास 1 की सारी क्वालिटीज थी, ऐसे ही डी के पास 4 नंबर की सारी ही सारी की सारी क्वालिटीज हैं। ऑनेस्ट है ये, दबंग है, रॉबिन हुड है ये, ठीक है, बोल्ड है, अपना एक डेफिनेट ओपिनियन है इनका और ये उसको रखना भी जानते हैं। ठीक है, जिस जिसके सर्कल में है आप लोग अपना फीडबैक भी साथ साथ शेयर कर सकते हो या चैट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना, इससे सबका प्रोत्साहन बढ़ता है। कोई रेमेडी नहीं की, प्रणव जी मैं आपसे करती हूँ बात फॉर 9 प्लैनेट। वाओ मैम, ओके, यस मैम, ओके दीक्षा जी, हाँ डी से शुरू हो रहा है ना दीक्षा जी आपका। ठीक है, बोल्ड है काफी ज्यादा और अपना ओपिनियन रखना जानते हैं, और उसके अलावा डेयरिंग है, और अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो ये बागी भी हो जाते हैं, रिबेलियस, दे विल रिपेल फॉर देयर ओपिनियन कि हाँ भाई मैं ये बोल रहा हूँ तो ये सही है, तुम उसको अपोज नहीं कर सकते। मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंक्लाइंड भी रहते हैं, और इमीडिएट रिजल्ट भी चाहिए इनको, अभी काम करो और अभी मुझे उसका फल मिल जाए। दे वॉन्ट दिस, दे एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स, तो उसकी वजह से इनको लॉसेस भी हो जाते हैं। हार्ड वर्क डी से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। डीएमटी की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट हार्ड वर्किंग अल्फाबेट है 4 नंबर का। प्रेस्टीज ओरिएंटेड, अपनी इज्जत इनको बहुत प्यारी है, कुछ भी हो जाए पर इज्जत पे बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑपोजिशन की केयर नहीं करेंगे, ये किसी की केयर नहीं करेंगे, अगर जो इनका ओपिनियन है वो उसी को इम्पोर्टेंस देंगे।
और सारे ऑब्स्टेकल्स बहुत बोल्डली फेस करते हैं और उसके बाद इनको सक्सेस भी मिलता है। और इनको सिंपैथी भी नहीं चाहिए किसी की, कोई मुझे सिंपैथी दिखाए, है ना, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ। चलो दीक्षा जी हमारे साथ पूरी सहमत है, थैंक यू दीक्षा जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ई अल्फाबेट की। तो अगेन पांच नंबर का अल्फाबेट, तो जैसे कि पांच नंबर वालों में क्वालिटी होती है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का नंबर है, मर्क्यूरी का नंबर है तो इंटेलिजेंस का नंबर है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, मेंटल क्लैरिटी रहती है इनको, और उसके अलावा किसी भी पैसे की टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में डिसीजन लेने के पहले 10 बार सोचेंगे कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है कि गलत है। हेल्पफुल होते हैं और दूसरों को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये सब क्वालिटी होती है अगर आपका नेम ई अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो। लेकिन ई अल्फाबेट जो है अगर ये मल्टीपल हो गया तो आपकी सेल्फिशनेस को इंक्रीज कर देगा। मतलब यहाँ जो हेल्पफुल लिखा है आप वो नहीं रहोगे, यू विल बिकम सेल्फिश। उसके अलावा नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है जब डबल ई होता है तो, और फ्रॉड भी जरूर होता है डबल ई होने की वजह से नेम में। अब ये जिस प्लेस पे होगा डबल ई उस चीज से रिलेटेड आपको फ्रॉड होगा, यानी कि अगर ये आपके रिलेशनशिप प्लेस पे डबल ई हो रहा है तो आपको रिलेशनशिप में फ्रॉड होगा। अगर आपकी एजुकेशन वाली प्लेस पे डबल हो रहा है तो एजुकेशन से रिलेटेड आप कहीं पैसे भरो और वो पर्सन फ्रॉड निकले। और अगर आपके हाउस की प्लेस में, इन्वेस्टमेंट की प्लेस में है तो आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फ्रॉड हो जाए। तो जोन सी प्लेस पे डबल ई हो रहा है उस प्लेस से रिलेटेड आपको फ्रॉड होगा। हाँ जी ज्योति जी, हर डबल ई में प्रॉब्लम। बट अदरवाइज ई अल्फाबेट इज गुड, प्रोग्रेसिव बनाता है। What do you mean by investment पर fraud होना? Investment मतलब कि हम policy ले सकते हैं, उसमें घर आ सकता है, किसी भी तरह की investment है रोमा जी। ये हम grading part में सीखेंगे ना, है ना? जैसे कि मैं अभी बता रही थी ना कि आपको हमारे name में जो places होती हैं, उनकी बात कर रही थी ना मैं जो, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट है एफ अल्फाबेट, अगेन 8 का फर्स्ट अल्फाबेट है, एफ और पी हमने बात की थी, ठीक है। तो एफ अल्फाबेट जो है इसके अंदर फीमेल क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैमिली अपने फ्रेंड्स के लिए ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, और लग्जरी बहुत ज्यादा लग्जूरियस, मतलब हाई ब्रांडेड क्लोथ्स पहनेंगे, ब्रांड कॉन्शियस रहेंगे अगर एफ से नेम स्टार्ट हो रहा है तो। मतलब फीमेल क्वालिटीज बहुत ज्यादा होंगी, अगर कोई मेल भी होगा तो भी उनके अंदर फीमेल क्वालिटीज बहुत ज्यादा होंगी। आर्टिस्टिक होंगे, म्यूजिक लवर्स होंगे, है ना, क्रिएटिव होंगे, क्योंकि एफ को वीनस की क्वालिटीज भी मिली हुई है, प्लैनेट वीनस की। ऑल्दो ये है तो सैटर्न का अल्फाबेट बट इसको वीनस की क्वालिटीज भी मिली हुई है। अपने एक्सपीरियंस और अपने डिसीजंस
दूसरों के ऊपर थोपते हैं, स्पेशली अपने फ्रेंड्स और फैमिली, मतलब जिसको अपना समझते हैं उसके लिए इतने पोजेसिव हो जाते हैं कि उनके ऊपर अपने डिसीजंस और अपने ओपिनियंस दे ट्राई टू इम्पोज. फीमेल्स या से इनको सपोर्ट मिलता है, विमेन का सपोर्ट इनको ज्यादा मिलता है. आर्ट्स या फिर एक्टिंग बॉलीवुड में इनको अच्छा सक्सेस मिलता है. बहुत कम लोगों का एफ से हमको मिलता है, लेकिन अगर कोई हो आपके टच में तो देखना उनको कैसा रहता है एफ का. ठीक है, जैसे एफ से मैं बात करूं तो फराह खान जो याद आ रही है ना, तो ऑब्वियसली बॉलीवुड की फील्ड में है. तो ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता फराह खान जी के बारे में, बिकॉज आई एम नॉट अ डाई हार्ड फैन ऑफ हर. लेकिन एक मैंने उनके इंटरव्यू में सुना था कि वो ये कह रही थी कि आई कैन डाई फॉर माई फैमिली. ठीक है, और जो उनके फ्रेंड्स हैं मतलब उस फील्ड में जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनको भी वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, ऐसा हमने देखा है उनमें. हाँ, फिरोज खान एफ से स्टार्ट हो रहा है ना. तो अभी इनके बारे में तो हमको इतना पता नहीं है, लेकिन अगर आपके कुछ फ्रेंड्स फैमिली में हो तो प्लीज आप लोग इस पर रिसर्च करना कैसा है उनका. है किसी का एफ से? और मैंने तो बहुत कोशिश की, मुझे बहुत कम लोग मिले हैं एफ से. किसी का है एफ नेम से कोई नियर डियर वन? किसी का नहीं? चलिए, जी अल्फाबेट. अब अगेन CGLS हमने बात की थी कि ये 3 नंबर के अल्फाबेट है ना. तो सी हमने बात की थी बहुत हाई हेडेड है, तो जी जो है ये बहुत ही सॉफ्ट अल्फाबेट है 3 नंबर का, फैमिली ओरिएंटेड. जी अल्फाबेट वालों को पार्टनरशिप भी अवॉइड करनी चाहिए, पार्टनरशिप डजंट सूट्स. बहुत ही ज्यादा डिवाइन होते हैं, डिवाइन मतलब स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसा नहीं है रोज मंदिर जाएंगे, बट स्पिरिचुअल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, हेल्प करनी लोगों की. जो लोग रिलीजियस होते हैं वो लोग भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं उनको ऐसे लगता है कि जो लोग मुसीबत में हैं उनकी ज्यादा हेल्प करो, है ना. तो स्पिरिचुअल और रिलीजियसनेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो बहुत माइन्यूट सा बट काफी अलग है दोनों चीजें. नहीं ज्योति जी, हम अभी यहाँ से फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, सरनेम की नहीं कर रहे, है ना. कि जी से तो गोगिया गुप्ता से सरनेम स्टार्ट होंगे तो क्या कोई पार्टनरशिप नहीं करेगा? हम फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज फर्स्ट अल्फाबेट एक्ट्स लाइक योर बेसिक नंबर. एक बेसिक नंबर होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का, और एक बेसिक नंबर होता है यहाँ पे जो हमको मिला हुआ है, तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं. डीओबी को तो हम नहीं कर सकते, पर नेम के तो फर्स्ट अल्फाबेट हमारे हाथ में है कंट्रोल करना. चलिए, तो हमने क्या बात करी है अभी तक? यस, कि जी वाले बहुत ज्यादा फैमिली पर्सन होते हैं, नॉलेज इनको अच्छी खासी होती है, लेकिन अपना मुंह वहीं खोलेंगे जहां जरूरी होगा. कि आपको एनालाइज करते रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ये अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करें. तो वेरी गुड एनालिटिकल ऑब्जर्वेंट, बट नॉलेज शेयरिंग नहीं होते जी वाले. मतलब जहां आप उनसे पूछोगे तो आपको अच्छा सजेशन देंगे, बट खुद से नहीं बोलेंगे. सेल्फ कॉन्फिडेंट, गुड मैनेजमेंट,
they can do anything for their family. ठीक है, तो जी में अगर अब जैसे हमने सी शेप की बात की थी, अगर हम जी शेप की बात करें तो जी इज हाफ सर्कल बना के एंड देन अंदर कर्व हो रहा है वो सर्कल, है ना। तो ये अपनी बातें अपने अंदर रखते हैं, इसी वजह से मैंने बोला है कि ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे इजीली। यस मैम, मेरी बेटी, ओके ठीक है। तो लिटिल बिट शाय भी बनाता है जी अल्फाबेट। बट अपने काम में ये जिसे कहते हैं ना परफेक्शन, इनको पसंद है। प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम इनको जल्दी होती है। प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम क्यों जल्दी होती है इनको? बिकॉज अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मतलब उनको बेस्ट कंफर्ट प्रोवाइड करें, उनको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और अगर फैमिली से इनको रिस्पांस नहीं मिलता, मतलब इनको इम्पोर्टेंस ना दी जाए, तो वहां पर ये डिसहार्टन हो जाते हैं और परफॉर्मेंस इनकी वर्क प्लेस पे भी कम होती है। ठीक है, अगर इनको फैमिली से इम्पोर्टेंस मिल जाए तो फिर तो ये डबल मेहनत करते हैं अपने काम में। तो फैमिली सपोर्ट जी वालों के लिए मस्ट है। जी वाले ग्रो करते हैं, जी से ही ग्रो शुरू होता है, लेकिन फैमिली सपोर्ट के साथ ग्रो करेंगे बिकॉज फैमिली इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है जी, तो आज हम जी अल्फाबेट तक ही पढ़ेंगे, बस बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया और ये आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक अल्फाबेट को इतनी डिटेल में। ठीक है, आज जितना हमने पढ़ा है, किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है ना? आज हमने कितनी बातें करी है ना, जितनी भी, तो आज तो हो गई, लेकिन नेक्स्ट क्लास से तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, नो टॉक्स। प्रतिभा जी, मैम ये F 8 नंबर है, तो इसमें ये वीनस कहाँ से आ गई? वीनस की क्वालिटीज क्यों आ गई? वीनस की क्वालिटीज ऐसे आई क्योंकि F जो है ना ये पाइथागोरस में 6 नंबर पे आ रहा है। अच्छा, ओके। पाइथागोरस में कैसे प्रोवाइडेड है? A B C D E F ऐसे प्रोवाइडेड है ना? तो अगर हम जी को भी देखें तो ये 7 नंबर पे आ रहा है, इसलिए बहुत फैमिली ओरिएंटेड है जुपिटर का नंबर होने के बाद भी। तो मैंने अभी बोला ना ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, इसी वजह से। ठीक है, अनीता जी। मैम तो जैसे ये नेम रखते हैं तो ये पाइथागोरस के हिसाब से रखना चाहिए या शेल्डियन? शेल्डियन पाइथागोरस। फिर पाइथागोरस किस यूज में आती है? देखो पाइथागोरस में ये नहीं कह रही इट्स नॉट अ गुड साइंस, लेकिन पाइथागोरस ने ना हर एक अल्फाबेट को फ्रीक्वेंसी से नहीं दिया नंबर, उन्होंने लेमैन की तरह ए बी सी डी ऐसे करके दे दिए, उनको प्रोवाइड करा दिया नंबर जो जिसका सीरीज में था। लेकिन शाल्डियन में ये जो नंबर प्रोवाइडेड हुए हैं हर एक अल्फाबेट को, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करा है कीरो जी ने, तो ये ज्यादा अच्छा वर्क करती है। नहीं तो फिर पाइथागोरस किस यूज के लिए अच्छी है? पाइथागोरस भी हम इस कोर्स में हमारे इंक्लूडेड है, मतलब कुछ पाइथागोरस के कंसेप्ट भी इंक्लूडेड है, तो मतलब जहां पे जो जिसका अच्छा था वो मैंने इस कोर्स में डाला है। ओके, पाइथागोरस नेम चेंज के लिए अच्छा है बट वो वर्क नहीं करता, मतलब पाइथागोरस के कुछ ऐसे कंसेप्ट अच्छे हैं नेम चेंज के लिए जो मैंने इंक्लूड करे हैं इस कोर्स में, पर जो अल्फाबेट्स की नंबरिंग है वो हम शाल्डियन से ही करेंगे क्योंकि वहां पर वाइब्रेशंस को कंसीडर करके अल्फाबेट्स को नंबरिंग दी गई है, और यहाँ पर लेमैन की तरह 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिया गया। ठीक है, ठीक है। रोमा जी, मैम एक्चुअली में आपने बताया था कि जो बी ए बी या बी ए आर पॉजिटिव, तो डज द साउंड ऑफ बी एच ए
also considered positive? BHA is also positive. That also comes under positive. Or because HA is a good sound. HA is a good sound. Okay. और दूसरा ये है कि जैसे आप पाइथागोरस कह रहे हैं कि पाइथागोरस है, so we should be considering like जैसे हमने A है, A one तो है, पाइथागोरस में भी है one, इसमें भी one है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं G is seven, A B C D E F G, तो are we also considering the qualities of G as Jupiter plus Ketu? Ketu, yes, yes. So, हम दोनों क्वालिटीज उसमें जी में कंसिडर करेंगे. हाँ जी, हाँ जी. Okay. Okay, that makes sense. तो वो इसलिए जो भी जी वाले होंगे वो थोड़े से इनस्टेबल भी होंगे बिकॉज केतु का भी आ रहा है. मतलब जैसे केतु वाले क्या होते हैं, अगर उनको फैमिली लव चाहिए खाली, तो उनको फैमिली लव मिल जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है ना? लेकिन नॉलेजेबल हमेशा नहीं होते केतु वाले, लेकिन जो जी वाला है क्योंकि वो जुपिटर का भी अल्फाबेट है तो नॉलेज भी होगी, लेकिन हर जगह नॉलेज शेयर नहीं करेंगे. ओके, और यदि जी मल्टीपल केतु हो, ओके, तो इसका जब जी मल्टीपल होगा तो बेसिकली हम ये भी देख रहे हैं कि इधर थ्री इज गेटिंग मल्टीपल और सेवन इज गेटिंग मल्टीपल. केतु की वाइब्रेशन भी हम बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए कितने अग्रवाल हैं जिनके मैंने एक जी हटवाया है, तो वो मतलब इनस्टेबल भी, यदि नेम में भी डबल जी आ रहा है तो वो इनस्टेबिलिटी आ जाती है, इनस्टेबिलिटी भी दे रहा है, पर हर अगर मिलेगी तो वो डीओबी पे भी एक बार डीओबी को भी देखना पड़ेगा कि जहां पर हमको जी को डबल करने की जरूरत नहीं है तो वहां हम नहीं करेंगे. सो बेसिकली वो इनस्टेबल भी होंगे और डबल जी डबल थ्री हो रहा है तो वो उनकी मॉरल वैल्यूज भी डाउन हो रही है. यस यस, मॉरल वैल्यूज भी डाउन होंगी. ओके, तो मजा आएगा आप लोगों को जब इसको एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा, यू विल एंजॉय. ओके, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी नेम चेंज नहीं करना, पहले सीख लो फिर करेंगे. ये तो अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट पे वर्क कर रहे हैं. तो मैम एक शाल्डियन है, एक पाइथागोरस है और एक थर्ड लोशु है. नहीं, आई गॉट कंफ्यूज्ड. तो तीसरा कौन सा है मेथड? तीसरा ये है साउंड वाइब्रेशंस न्यूरोलॉजी. नहीं, एक तो शेल्डियन से हम कर रहे हैं, एक पाइथागोरस है, तीसरा कौन सा है? एक और भी है? नहीं, दो ही होते हैं, शेल्डियन या पाइथागोरस, दो टेबल ही होते हैं नेम के, जो शेल्डियन या पाइथागोरस. ओके ओके, ठीक. एंड वी वुड बी कंसीडरिंग ऑल द नेम चेंजेस बेस्ड ऑन शेल्डियन. यस यस. ओके, बिकॉज शेल्डियन के हिसाब से मेरा जो नाम था टोटल 60 आ रहा है, और आई थिंक जब मैंने सेट किया था तो मैंने पाइथागोरस से किया था विच वॉज 11, सो नाउ आई गॉट कंफ्यूज कि ये कौन सा चलेगा. ओके, वी विल टॉक दैट. यस यस यस, 11 किया तो मिस्टर नंबर लगा, तो आई थॉट 11 इज गुड, बट यस 11 मैम मैंने करते ही मैं यूएस में पहुंच गई. अच्छा, मेरे रास्ते खुलते गए. ओके, तो हर एक नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव होता है रोमा जी, कोई नंबर टोटली पॉजिटिव नहीं होता और कोई टोटली नेगेटिव नहीं होता. जैसे हम 4-8 बिल्कुल 4-8 के ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं. जैसे मैं डेस्टिनी 31 हूँ तो मैंने अपने नेम में 31 क्रिएट किया हुआ है. ओके, नहीं तो 31 तो सॉलिड वैसे नीम अच्छा है, बट सॉलिट्यूड भी देता है. यस यस यस, क्योंकि हार्ड वर्किंग भी बनाता है. हार्ड वर्किंग है बिकॉज मेरी डॉटर भी 31 पे आती है, वो कमरे में बंद रहती है लेकिन जब काम करना होता है तो बहुत मेहनत से करती है फिर वो. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप लोग जो बोलते हो ना कि मैम आप सोते कब हो, तो ये 31 ही मुझे इतना हार्ड वर्क करवाते हैं. ऐसे सेम मेरी डॉटर का भी आ रहा है, तो आई वाज थिंकिंग टू चेंज हर नेम, फिर मैंने कहा नहीं, हार्ड वर्क तो करी, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है कि अकेले है तो फ्रेंड्स कम होंगी. हाँ जी, हाँ जी. ओके ओके, चलिए. ओके जी, ओके. तो नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को है, ठीक है, तो ट्यूसडे मिलेंगे. हाँ जी दीक्षा जी बोलो. मैम मेरे को लोकेशन सेंड कर देना है ना, फिर भूल ना जाना आप.
हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप मेरे 911 वाले नंबर पे एक बार हाय भेज दोगे? मैम वो नंबर नेम बस बोलना एक बार, 9115120 2067567 5 6 7 5 6 7 5 ठीक है मैम, हाँ इस पर हाय भेज दो, मैं आपको भेज देती हूँ, ये ना 8C वाला ब्लॉक हो गया, कल हो जाएगा। मैम एक इशू है, न्यूमरोलॉजी की क्लास में जो पीडीएफ्स हैं वो निखिल जी का लिंक आया था कि आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो तो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग पीडीएफ्स, तो अब मैंने कोशिश करी उसको ज्वाइन करने की तो वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा, वो रीट्राई करता जा रहा है। वीडियो ग्रुप होगा ना वो? हाँ वो वीडियो ग्रुप कौन सा, वो कौन सा नंबर है या कहाँ पर मुझे जाना है? मैंने दोबारा से वीडियो ग्रुप का लिंक शेयर तो किया था न्यूमरोलॉजी क्लास में, चेक नहीं किया होगा ना आपने? मैम मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हो रहे हैं तो वो एक्चुअल में इशू आ रहा है, एक बार आप अभी और सेंड कर देंगे तो मैं इस जो यूएस के नंबर पे है सो दैट आई कैन ज्वाइन, बिकॉज़ आई एम नॉट गेटिंग वी एनी पीडीएस, में इश्यूज आ रही हैं। ओके ओके, वीडियोस तो आ रही हैं बट पीडीएफ्स नहीं आ रही थी। मैं निखिल सर को कहूंगी आपको पर्सनल पे भी शेयर कर देंगे। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। माहिका जी, महिका बियानी जी, सॉरी मैम मैं रक्षिता, वो मेरा कुछ नेट में प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मुझे मेरे बेटी के नाम से ज्वाइन किया मैंने। हाँ जी मैम, तो जो लेटर्स का है ये क्या आगे भी पाइथागोरस में जो आएगा उससे रिलेट करेंगे हम लोग? नहीं 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 आगे नहीं करेंगे, जैसे अभी कुछ लेटर्स को कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी ऐसे कुछ लेटर्स रहेंगे? सब तो सेम है नहीं, वो तो 1 to 9 तक में है ना लेमैन जैसे। हाँ जी हाँ जी, तो जिनका देखो जिनका मैंने कनेक्टेड फील किया है वो मैं आप लोगों को कराऊंगी, पर हर एक अल्फाबेट का नहीं है। अच्छा वो मैं आपको लॉजिक बता रही थी कि हमने कैसे कनेक्ट करा। अच्छा नहीं मैं वही पूछ रही हूँ कि मतलब ये दोनों को मिला के हम क्वालिटीज देखते हैं कि खाली इसमें अभी तक जो लेटर्स में कुछ कुछ जो क्वालिटीज आपने बताई है वही हम लोग को कंसिडर करनी है? जो मैं बता रही हूँ वही कंसिडर करनी है, मैं दोनों को मर्ज करके ही बता रही हूँ क्योंकि ठीक है मैम। ठीक है रचिता जी, हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है प्रीति जी, ओके ओके प्रीति जी, आई विल सेंड रिकॉर्डिंग। आप वैसे भी ऐप आ गया हमारा, ऐप में मिलेगा, डोंट वरी, मेल वगैरह पे नहीं है जरूरत, ऐप में मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ रोमा जी बोलिए। वो ऐप भी मैंने डाउनलोड करने की कोशिश करी थी, आई थिंक आईफोन्स में नहीं डाउनलोड हो रहा। नहीं नहीं आईफोन का है, मैं आपको कल बताती हूँ, वो कल नहीं मंडे को, मंडे को जो स्टाफ आएगी ना उसने सीखा था आईफोन का भी है कुछ सिस्टम है। ओके ठीक, मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगी। थैंक यू मैम। ठीक है चलिए, तो सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट, साईं राम। ओके साईं राम मैम।